माध्यम से जीवात्मा को एक मार्ग बताया, किस मार्ग से कैसे चलना है, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, जीवात्मा का कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति एक जीव का कर्तव्य क्या होता है, भगवान उसको शिक्षा देने के लिए तो मनुष्य बन करके इसलिए आए। लोग यदि कहते भगवान के रूप में आते तो भगवान है तभी तो कर पाए, अरे भगवान को कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान मनुष्य सदृश बन करके दशरथ नंदन बन करके आए हैं और मनुष्य को जैसा कर्म करना चाहिए समस्त कर्मों को करके भगवान ने दिखाया। इसलिए मर्त्य अवतारस्ति हम मर्त्य शिक्षणम्, भगवान का यह मनुष्य अवतार श्री रामावतार है, मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए ही भगवान का अवतार है। भगवान कहते हैं कि यदि आचरत श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। समाज का श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोगों को प्रमाण मान करके वैसा ही करते हैं। इस श्रेष्ठ जिनका नाम है, ख्याति है, प्रसिद्धि है, यश है, कीर्ति है, अगर उसने कोई गलत किया तो लोग दार देंगे, अरे उन्होंने भी तो ऐसा किया था लेकिन उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति को चाहिए कि अच्छा कर्म करे, समाज के लिए प्रमाण बने, अरे उनको देखो उन्होंने कैसा किया। जैसे परिवार में कोई श्रेष्ठ पुरुष अच्छा कर्म करता है तो छोटे बालक सहज ही देख करके उस कर्म में प्रवृत्त हो जाए। परिवार का श्रेष्ठ पुरुष यदि कोई गलत कर्म करे तो परिवार वाले भी उस गलत मार्ग पर लग जाते हैं। तो भगवान ने कर्म करके, सुंदर कर्म करके, सुंदर आचरण करके, सुंदर चरित्र का निर्माण करके समाज को दिखाया, एक मार्ग बताया। इसलिए राम चरित्र है, इसलिए भगवान में समस्त गुण है, भगवान के गुणों का वर्णन करते। ऐसे भगवान पूर्ण ब्रह्म परात्पर ही भगवान श्री राम है, साक्षात भगवान पर ब्रह्म है। अच्छा, भगवान शास्त्र ने तो भाव में कह दिया, भगवान का नाम चाहे जिस विधि से जैसे भी लिया जाए वो अपना काम करता है, नाम की अधिक महिमा। पर भगवान को भगवान मानने पर ही फल मिलता है। भगवान के नाम को तो कैसे भी ले लो उसका पुण्य मिलता है। इसलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम इसलिए कहा गया है। पर भगवान को भगवान मानने पर ही फल मिलता, जैसे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान माना वो फल मिला, दुर्योधन ने भी दर्शन किया साथ में रहा पर उन्होंने भगवान नहीं माना, भगवान नहीं माना तो दुर्योधन को भगवत दर्शन का फल नहीं मिला, भगवान का नाम लेने का भी फल नहीं मिला, भगवत साक्षात्कार होने का फल नहीं मिला। तो इसलिए भगवान को भगवान मान करके हम उनकी आराधना करें, उनको भगवान पूर्ण ब्रह्म परात्पर साक्षात समझें। भगवान श्री राम जी ने भी महाराज उन सभी राक्षसों को दर्शन तो दिया, समरांगण में सबने दर्शन तो पाया, पर उन राक्षसों ने भगवान को भगवान नहीं माना है। मनुष्य तपस्वी है, दशरथ नंदन इतना ही होना। तो भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन करने का फल उन्हें नहीं मिला। तो भगवान को भगवान मान करके सेवा करें ये जरूरी है। तो भगवत गुणों का वर्णन देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि महर्षि को सुनाया। तो भगवान गुणों के द्वारा, रूप के द्वारा जीवात्मा को अपना रूप गुण दिखा करके भगवान अपना बनाते हैं। तो भगवान
उनके गुणों से हम जानते हैं। भगवान में अनंत अनंत कल्याण गुण है, ऐसे गुणों का जो वर्णन सुनाया संक्षिप्त श्री रामायण तदनंतर महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर हैं, उनका आश्रम। महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज महर्षि, भरद्वाज महर्षि वाल्मीकि जी की सेवा में साथ में है। जब नारद जी ने संक्षिप्त श्री रामायण राम कथा को सुनाया तदनंतर मन में भगवत चिंतन श्री राम चिंतन राम कथा का चिंतन जो श्रवण किया मन करते करते विश्राम करते प्रातः काल होता है, स्नान करने के लिए महर्षि भरद्वाज को लेकर के तमसा नदी के तट पर जाते हैं। नारदस्य तु तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारद पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। इस तरह तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए तो विचरण करने लगे थोड़ी देर, जैसे नदी के तट पर थोड़ी दूर तक आना जाना ऐसा क्रम महर्षि वाल्मीकि का चलता रहा। महर्षि भरद्वाज साथ में, हम उनके बल पर वस्त्र इत्यादि लेकर के साथ में हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि भरद्वाज देखो नदी का जल कितना पवित्र है, यह स्नान करने योग्य स्थान है, ऐसा पवित्र जल है, निर्मल जल है, नीचे की जल की सतह को ऊपर से दिखा जा रहा है, निर्मल है, गहरा होने पर भी नीचे का जो है जो सतह है जल का वो दिख रहा है, कैसा जैसे सज्जन का मन जैसा होना चाहिए वैसा ही जल भी है। नदी रमणीय प्रसन्नांगु सन मनुष्य मनो यथा, जल बहुत निर्मल होता है तो गहरा होने पर भी नीचे का पत्थर है मछली है जीव है दिखता है, हमारा मन भी कैसा हो। महर्षि वाल्मीकि जी भरद्वाज जी से कहते हैं वह मन भी ऐसा निर्मल हो, जब कूड़ा कचरा नहीं होगा तभी तो निर्मल होगा, तो मन भी हमारा ऐसा निर्मल हो जैसा वो जल बहुत होने पर भी नीचे का सतह दिखता, उसी तरह हमारा मन पवित्र हो, छल कपट छिद्र के कूड़े कचड़े ना हो, गंदगी ना हो, ऐसी वार्ता करते हुए जैसे ही विचरण करते हैं तब तक महाराज एक रुदन की आवाज सुनाई पड़ती, एक चीख की आवाज सुनाई पड़ती, क्रौंच पक्षी की आवाज सुनाई पड़ती, और आगे जाकर के देखा एक व्याघ्र ने एक क्रौंच को महाराज अपने बाण से मार डाला, शरीर रक्त से छत विक्षत है और उसकी पत्नी अपने पति के लिए शोक कर रही है, विलाप कर रही है, रोती जा रही है। तम सोणित परितांगम चेष्टमानम महीतले भार्या पुनीहतम दृष्ट्वा रुराव करुणांगिरम। एक पत्नी के लिए महाराज पति का जो साथ होता है वो सर्वस्व सुख होता, आज एक व्याध ने एक नारी को विधवा बनाया, अकेली बनाया, उसका पति का वर कर डाला और पति के वियोग में अकेली वो क्रौंची विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। महर्षि वाल्मीकि ने जाकर दौड़ के देखा तो हृदय में करुणा भराई। देवर्षि नारद ने कथा सुनाया और कथा में भगवान श्री राम जी के द्वारा परित्यक्त भगवती सीता महारानी जिस तरह से अकेले महाराज वन में पति के वियोग में रुदन करती हैं, उस कथा से उस पीड़ा से मन व्यथित है और उसी दृश्य को यहाँ देखा, एक व्याध ने एक पत्नी को पति से वियुक्त कर दिया, अलग कर दिया और सहज महर्षि वाल्मीकि के हृदय से उसके प्रति
एक श्लोक निकल पड़ा मन से, मानिसाद प्रतिष्ठां वां अदम शाश्वती समान यत्रां च मिथुनादेकम् अवधिकाम मोहितम्। हे निषाद व्याज तुम प्रतिष्ठां मां अगम, तुम्हारी प्रतिष्ठा कभी न हो अर्थात तुम्हारी जगत में निंदा हो, कभी भी तुम सुख नहीं पाओगे शाश्वती समाह। तुम अनादि काल तक महाराज अनादि काल से अनंत काल तक कभी भी तुम्हें किसी प्रकार की सुख शांति प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तुमने एक जोड़ी में से उसके पति को जो काम मोहित था ऐसे पति को तुमने बद करके उसको रुलाया है, इसलिए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, यश नहीं मिलेगा। ऐसा साप के ब्याज में सहसा एक श्लोक निकला, मानिसाद प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समा यत् क्रौं च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। वैदिक वाङ्मय के बाद अगर किसी के मुंह से कोई श्लोक निकला तो ये प्रथम श्लोक है। वेद मंत्र के बाद जो इस सृष्टि का ही प्रथम श्लोक यह श्लोक है। इसलिए श्रीमद वाल्मीकि रामायण आदि काव्य से पहले कोई काव्य नहीं है, केवल वेद मंत्र ही चलते थे। और इनके मुंह से सहज ऐसा जो श्लोक निकला, व्याल को शोक और शोक श्लोकत्व आगत कहते हैं, जो उनका शोक था जो वेदना थी वो श्लोक के माध्यम से निकल पड़ा। जब ये श्लोक शोक के माध्यम से श्राप के निमित्त निकल पड़ा तो मन में बड़ी चिंता हो गई महर्षि वाल्मीकि जी को, जैसे कोई सज्जन व्यक्ति के मुंह से अपशब्द निकला, जिसके मुंह में कभी गलत शब्द नहीं आया, किसी के प्रति गलत कभी बोला नहीं और उसके मुंह में गलत आ जाए, गलत शब्द आ जाए, गाली गलौज आ जाए, तो जैसे वो सज्जन व्यक्ति पश्चाताप करता है कि हमारे मुंह से ऐसा क्यों नहीं निकला, नहीं निकलना चाहिए था, पश्चाताप करने लगे, अरे वेद मंत्र उच्चारण करने वाला मैं और मेरे मुंह से ऐसा शब्द क्यों निकला। विचार करते हैं, अरे तो छंदोबद्ध है, इसमें चार पद हैं, बराबर अक्षर है, 32 अक्षर का यह श्लोक है, एक एक पद में 8 अक्षर है। विचार करते हैं ऐसा क्यों हुआ। पाद बद्धो चर सम स्तंत्री लय समन्वित शोकार्थस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। श्लोक के रूप में जो निकला हुआ है वो सकता है इसलिए हो या अन्यथा के लिए न हो, या इसके द्वारा कुछ हो सकता है। मन में ऐसे विचार करते हुए स्नान करते हैं तुम शांति में, जल लेकर के साथ महर्षि भरद्वाज के साथ वाल्मीकि महर्षि अपने आश्रम में आ जाते हैं। मन में एक चिंतन करते आज मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकला। तब तक ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्म लोक से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, स्वयं पधारे ब्रह्मा जी जो चिंतित बैठे थे महर्षि वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी की आकर के ब्रह्मा जी ने समझाया। जैसे ही ब्रह्मा जी आए महर्षि वाल्मीकि ने साष्टांग प्रणाम किया, पूजा आराधना करी, आज काम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनि पुंगवम्। पूजन किया, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, मन में चिंता है, उदास है, बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महर्षि, हे मुनि वाल्मीकि जी, आपके मुंह से जो श्लोक निकला है आप चिंता न करें, भगवान आपके इन श्लोकों के द्वारा महान कार्य कराना चाहते हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी इच्छा से, भगवत इच्छा से ये आपके मुंह से श्लोक निकला हुआ है और आपको
इसी छंद में, इसी श्लोक के लय में, छंद में पदबद्ध तंत्र लय से युक्त जो गाया भी जा सकता है, इसी छंद में आपको राम चरित्र का निर्माण करना है। जो देवर्षि नारद ने आपको राम चरित्र सुनाया, उस राम चरित्र को आप छंदोबद्ध करके इसी छंद में आप राम चरित्र का निर्माण करें। मत छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्ते यम सरस्वती रामस्य चरितम कृष्णम गुरुत्वम ऋषि सप्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप संपूर्ण रामायण को बस इसी श्लोक में महाराज प्रारंभ करके यहीं से श्री रामचरित्र का प्रारंभ करें। इसी छंद में, इसी लय में और इसी माध्यम से जो देवर्षि नारद ने आपको सुनाया, जिन रामचरित्र के द्वारा आप प्रभावित हैं, आप उसका निर्माण करें। और हे मुनिवर, ये मेरा आशीर्वाद है, ये सरस्वती स्वयं प्रवृत्त हुई आपकी जीवा में, और आप जो भी लिखेंगे, जो भी वर्णन करेंगे, वो असत्य नहीं होगा। आपकी लेखनी से असत्य निकलेगी नहीं, साक्षात सरस्वती की कृपा से आप जो भी लिखेंगे वो सत्य होगा। एक बार भगवान जब समुद्र के किनारे शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, समुद्र से मार्ग मांग रहे थे, तो समुद्र मार्ग देने को भी तैयार हुए प्रकट होकर। वहां पर प्रसंग आया, समुद्र ने फिर मार्ग क्यों नहीं दिया, भगवान ने जो है वो पुल क्यों बनाया, पुल क्यों बनाना पड़ा। तो वहां वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले लिख दिया था कि राम जी जो है समुद्र में पुल बांध करके, समुद्र को बांध करके जाएंगे आगे। तो इसलिए महाराज वहां भगवान श्री राम जी को पुल निर्माण करना पड़ा, नहीं तो समुद्र को मार्ग दे ही देते, समुद्र के लिए बड़ी बात नहीं थी और राम जी के लिए भी बड़ी बात है। और सेना जो पार हो गई, कहते कि केवल एक हिस्सा सेना ही पूर्ण मार्ग से गए, बाकी तीन हिस्से सेना वो ऐसे ही कोई आकाश मार्ग से, कोई जल के मार्ग से, और सबसे अधिक सेना भगवान श्री राम जी पूर्ण के मार्ग से जब आगे चलने लगे, तो पूर्ण के दोनों तरफ बड़े बड़े तिमिंगल मछलियां, विशाल विशाल महाराज जल हाथी, जल के मछलियां, तो राम जी को दर्शन करने के लिए सब एकत्रित हो गए और निर्निमेष राम जी का दर्शन करने लगे। तो बंदर होने के पीठ पर कूद कूद करके, चल चल करके सारे बंदर पार हो गए अपने आप। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, इसलिए राम जी ने ऐसा किया, ऐसा वर्णना था, यानी जो चरित्र भगवान श्री राम जी का महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वो कहीं भी असत्य नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी ने पहले आशीर्वाद दिया, न ते वाचामृता काव्ये काचिद् अत्र भविष्यति तच्चापि विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। और देवर्षि नारद ने आपको सूक्ष्म रूप में सुनाया, जो आपको अविदित है राम जी का चरित्र, यानी राम जी के सारे चरित्र आप समझ में न पाए होंगे, तो मेरे आशीर्वाद से आपको समस्त राम चरित्र सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये ब्रह्मा जी ने और आशीर्वाद दिया, और जो भी आप वर्णन करेंगे वो एक भी असत्य नहीं होगा। इसलिए श्री रामायण सबसे बड़ा प्रमाण है राम जी के राम चरित्र का, जहाँ साक्षात ब्रह्मा जी ने आकर आशीर्वाद दिया है। इतना कहने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी का शोक अब जो है प्रसन्नता में परिवर्तन हुआ। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि कुल राम कथा पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमाम, भगवान का मनोरम श्री राम चरित्र को इस श्लोक के माध्यम से श्लोकबद्ध तरीके से आप निर्माण करें, और आपकी राम कथा रामायण त्रैलोक्य में इसका प्रचार होगा और चारों युग में इसका दान होगा, और समस्त भक्त भगवान के राम चरित्र को श्रवण करके महाराज का उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री राम जी का अवतार त्रेता में जो अवतार हुआ,
और संत कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि महाराज इस त्रेता में नहीं, जो अभी सत्य त्रेता द्वापर कली जलाए, इस चतुर्युगी के, इस चतुर्युगी के त्रेता में नहीं। कुछ संत कहते हैं 19वें चतुर्युग के त्रेता महाराज से 19वें चतुर्युग के पहले, कुछ लोग कहते हैं 36वें चतुर्युग के पहले भगवान का अवतार, माने 36 बार चतुर्युग व्यतीत हुआ उससे पहले राम का अवतार हुआ। और रामचरित्र आज भी इतना जन जन के गोविंद में है, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी और सरस्वती का आशीर्वाद है। ये राम कथा त्रैलोक्य में चार युग में निरंतर ये चलती रहेगी राम कथा, और राम कथा के माध्यम से चरित्र निर्माण होगा और जीव का उद्धार ऐसे ही होता रहेगा। ब्रह्मा जी ने साक्षात आशीर्वाद दिया है, या मनसा सिंधि गिरया सरितश्च मयि तरे तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इतना कहकर ब्रह्मा जी महाराज उन्हें अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मलोक चले गए। और इधर महर्षि वाल्मीकि जी महाराज विचार करते हैं, अब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला और ये छंदबद्ध जो श्लोक निकला, इसी छंद में रामचरित्र निर्माण करना है। मन में विचार करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी के मुखारविंद से निकला हुआ श्लोक क्या किसी के लिए श्राप के लिए हो सकता, अमंगल हो सकता है? तो इसी श्लोक को महाराज श्री गोविंद राज जी महाराज जो रामायण टीकाकार है, उन्होंने इसका अर्थ किया, मानसा ही मंगलाचरण बना करके अर्थ किया, क्योंकि यही से प्रारंभ ये पहला श्लोक है। और बालकों को बच्चों को महाराज ये श्लोक याद भी कराना चाहिए, क्यों? क्योंकि जितने छंद और श्लोक जो भी तंत्र मंत्र वेद के अलावा जितने भी बने, उसमें सबसे पहला प्रथम श्लोक ये मानसा प्रतिष्ठान का गोविंद राज ने अर्थ किया कि महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से निकला जो श्लोक है, मानसाद प्रतिष्ठां त्वं अगम शाश्वती समा। हे मानसाद, मानसाद का अर्थ राम जी, श्री राम जी को राम जी के अर्थ में किया। मां माने भगवती महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का एक नाम क्या है, मां है। अमर कोश भगवती महालक्ष्मी का नाम है इंदिरा, लोक माता, माँ, शिरोद तनया रमा। तो इसलिए माँ भगवती महालक्ष्मी को माँ भी कहा गया है, जगन माता है। इसलिए माता की जो माँ है केवल माँ भगवती महालक्ष्मी के लिए कहा गया। तो माँ विषाद है, माँ विषाद यानी माँ भगवती महालक्ष्मी जिनके वक्षस्थल में निवास करती हूँ, जो भगवती महालक्ष्मी जिनके हृदय में वक्षस्थल में विराजमान होती हूँ, ऐसे हे मान साध हे राम, आपकी प्रतिष्ठा आपका यश शाश्वती समाह अनंत अनंत काल युग युगांतर तक आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, क्योंकि आपने एक क्रौंच मिथुना देखम अवधि काम मोहितम। काम मोहित क्रौंच की भांति जो असुर रावण है उसका वध करके, उस दुष्ट काम मोहित रावण का वध करके आपने समस्त लोक को आनंद प्रदान किया, संत गौ ब्राह्मण देवताओं को सुख दिया। इसलिए ऐसे हे राम, जो रावण वध करके लोक को शांति देने वाले, हे मानसाद, हे लक्ष्मीपते, हे लक्ष्मी निवास, आपका यश आपकी कीर्ति युगांतर तक गाई जाए, ऐसी प्रतिष्ठा आपकी हो। महर्षि वाल्मीकि जी के श्लोक का अर्थ गोविंद राज ने ऐसा किया है, मानसाद प्रतिष्ठां त्वं अगम शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। महर्षि वाल्मीकि जी एकांत में बैठ जाते हैं, पवित्र आसन में विराजमान हो गए, जल लेकर के आचमन किया पवित्रता के लिए,
और प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को रोक करके अपने ध्यान से भगवत चरित्र का महाराज दर्शन करने लगे। जैसा देवर्षि नारद ने बताया था वैसे ही महाराज भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए जैसे ही प्राणायाम किया आसन करके और ध्यान करने लगे भगवान का चरित्र सामने नाचने लगा है। उपस्पृश्योतकं सम्यग् मुनिस्थित्वा कृतांजलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। यानी भगवान श्री राम जी के चरित्र को धर्म पूर्वक अन्वेषण करने लगे। यानी धर्म पूर्वक माने धर्म माने राम जी, रामो विग्रहवान धर्म, राम जी का स्मरण करके राम जी का चरित्र अपने बुद्धि से महाराज दर्शन करने लगे, खोजने लगे। जैसा जैसा देवर्षि नारद ने वर्णन किया था ध्यान से महर्षि से वाल्मीकि जी देखते गए और सामने भगवान का चरित्र सब महाराज नृत्य करने लगा। जैसा जैसा वर्णन किया था वैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ले गई महाराज चलने लगी है। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः। श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के चरित्र से लेकर के समस्त राम चरित्र को जैसे देखा और जैसा भगवान का चरित्र है वो सब योग के द्वारा, योग माने जुड़ना, कहां जुड़े, भगवान के श्री चरणों में जुड़ गए, अपने मन को जोड़ लिया और भगवान का सारा चरित्र सामने आया। और श्री महर्षि वाल्मीकि ने जैसा देवर्षि नारद ने कहा था वैसे ही विशाल ग्रंथ के रूप में श्री रामायण की रचना करी। रघुवंशस्य चरितम् चकार भगवान मुनि जन्म रामस्य सुमहद् वीर्यं सर्वानुकूलताम्। रघुवंशस्य चरितम्, रघुवंश माने जिन वंश में श्री रघु जी महाराज हुए उनके वंश में अवतार लिए भगवान श्री राम जी के चरित्र को संपूर्ण निर्माण कर लिया, यथावत चरित्र निर्माण किया है श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। यहाँ संक्षिप्त कर वाल्मीकि जो महाराज ने जो निर्माण किया उसका वर्णन करते हैं। और ये चरित्र कब निर्माण हुआ, कहेंगे राम जी के राज्य काल में ही निर्माण हुआ था। राम की वर्तमान अवस्था में क्यों पहले पूछा है महर्षि वाल्मीकि ने, पूर्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके, इस समय वर्तमान समय में ऐसा गुणवान सत्यसंध धर्मात्मा सत्यवादी ऋजु सरल वो कौन है, ऐसा पुरुष कौन है, तो राम जी है। तो यहाँ वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने राम रामायण को बनाया राम जी के राज्य काल में ही निर्माण हुआ है। कब प्राप्त राम राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर् भगवान ऋषि। राम जी की महाराज राम जी का राज तिलक हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है। राम जी के राज्याभिषेक होने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने चरित्र निर्माण किया है। समस्त श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को लिखते लिखते 24,000 श्लोक में यह ग्रंथ तैयार हुआ। 500 सर्ग इसमें हैं और 7 कांड हैं। चतुर्विंशत सहस्राणी श्लोकानां कवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम्। 24,000 श्लोक का यह ग्रंथ निर्माण हुआ, 7 कांड तैयार हो गए। और मन में सोचने लगे कि ग्रंथ तो तैयार हुआ पर मैं इस ग्रंथ किसे प्रदान करूं, किसको पढ़ाऊं, योग्य शिष्य मुझे कहां मिलेगा, कौन मिलेगा। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया त्रैलोक्य में राम कथा की क्या प्रचार होगा, भगवान की कथा त्रैलोक्य में गाई जाएगी, मैं इसे किसे प्रदान करूं, ऐसा सत्पात्र योग्य शिष्य अधिकारी कौन मिलेगा। मन में बड़ी चिंता हो गई। चिंतया मास कन्वयतत प्रयोजिया आदि प्रभो तस्य चिंतय मानस्य
महर्षिर भावितात्मन, जो भावित आत्मा है, जिनकी आत्मा भगवान में लगी है, जिनका मन भगवान में लगा है, भगवत चरित्र का लोक में प्रचार हो, इसके लिए चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। जैसे किसी के पास बहुत संपत्ति हो और सुंदर वस्तु हो, हर कोई को दिया नहीं जा सकता हो, महाराज उसके लिए वो चिंतित होगा कि किसे प्रदान करो। घर में महाराज बड़े बड़े अच्छे ग्रंथ होते, न जाने उस भक्त ने किसी वैष्णव हो, कोई वैष्णव हो, कोई भक्त भागवत हो, पुराने पुराने ग्रंथ इकट्ठा करते हैं, भगवान के महाराज स्वरूप को, भगवान के वस्त्र को, भगवान के अंत वस्त्र को कहां कहां से लाकर इकट्ठा करते हैं, और उसका कोई पात्र कोई न हो, उसका महत्व समझने वाला न हो, तो मैं इस किसे दे करके जाऊंगा? योग्य पात्र कौन होगा इसका, जो सम्मान करेगा, इसके महत्व को समझेगा? ऐसे साधारण वस्तु देने के लिए तो किसी को दे दो, पर ऐसा वस्तु महाराज अपने जीवन की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट एकमात्र धन है, महर्षि वाल्मीकि जी सोचते हैं किसे प्रदान करो जिसके द्वारा लोक मंगल होगा। ऐसे भगवान के चरणों में मन लगाकर चिंता कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तब तक क्या हुआ, दो सुंदर बालक महाराज भगवती जानकी सीता माँ के पुत्र लवकुश, माँ जानकी जी आश्रम में ही है, जब रामायण लिखकर के तैयार हुआ है, सुंदर कुमार जटाजट महाराज ऊपर बंधे हुए हैं, बल बल वस्त्र धारण किए हैं, छोटे छोटे बालक ने आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया, क्योंकि नित्य प्रणाम करते ही थे, प्रातः संध्या के बाद प्रणाम करते थे, दोनों ने आकर के चरण पकड़ लिया और प्रणाम कर लिया दोनों ने। अग्रणीताम तथा पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ, कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। जो धर्मज्ञ है, जो मुनिवेश में है, दोनों कुमार ने आकर महाराज चरण पकड़ करके जैसे ही अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया, महर्षि वाल्मीकि ने देखा, ध्यान से नेत्र खुल गए, भगवान का ध्यान कर रहे थे, चिंतित हो रहे थे, दो कुमार को जैसे ही सामने देखा, लगा कि साक्षात राम जी ने समस्या का समाधान कर लिया, इन दोनों कुमार से योग्य कौन हो सकता है, ऐसा पात्र कौन हो सकता है, वो तो हमारे साथ हैं, हमारा ध्यान तो इधर जा ही नहीं रहा था, लग रहा है भगवान ने इसलिए अभी भेजा था काम के लिए। दोनों को देख करके महाराज महर्षि वाल्मीकि का हृदय भराया, बड़े सुंदर हैं, बड़े यशस्वी हैं, बड़े पराक्रमी, बड़े बुद्धिमान हैं, भ्रातर स्वर संपन्न हो, और इनके स्वर भी मधुर है, स्वरूप भी सुंदर है, वाणी भी मधुर है, मेधावी है, वेदेषु परिनिष्ठित हो, और समस्त वेदाध्ययन भी उन्होंने किया है, हर प्रकार से दोनों कुमार को युक्त देखा, और आश्रम वासियों का इतना प्रेम है, इतना प्यार है इन दोनों कुमार के प्रति, महर्षि वाल्मीकि जी गदगद हो गए, हर्ष से दोनों कुमार को गोद में लिया, हृदय में लगाया। जैसा जैसा कथा वाचक में गुण होना चाहिए, सारे गुण महाराज इन दोनों कुमार ने देखा, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने, और दोनों को लेकर के हृदय में लगाया, गोद में लेकर के इन दोनों बालकों को लव और पुष्प दोनों को महाराज पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ाते जा रहे हैं, पर लव पुष्प को माँ के विषय में तो ज्ञान है, जानकी माँ हमारी माँ है, पर हमारे पिता कौन है इसका बोध नहीं, जानने की जिज्ञासा भी नहीं। उसी आश्रम में दोनों बालक कुमार का जन्म हुआ है, लवकुश का। बड़े होने के बाद एक बार दोनों बालकों ने पूछा, माँ हमारे पिता कौन है,
ऐसा प्रश्न सुनते ही माँ जानकी जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। बहुत काल तक होश नहीं आया, दोनों बालक भयभीत हो गए। हमने पूछा, इसलिए हमारी माँ मूर्छित हो गई कि भैया अब हम जीवन में कभी भी माँ से शिकायत नहीं, कभी पूछा ही नहीं। और राम कथा पढ़ाने लगे तो बार बार माँ के सामने जाते हैं। भगवती माँ जानकी जी का परित्याग से लेकर के सारी कथा को जो पढ़ाया है, दोनों बालक कहते हैं कि माँ वो राम इतना कठोर है, उसने निरापराध अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, वो योग्य राजा नहीं है, उन्होंने न्याय नहीं किया। माँ जानकी समझाती है कि नहीं लाल, वो भी अपने परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने कोई गलत नहीं किया, मेरे लाल वो तुम्हारे राजा हैं, हम सबके राजा हैं, राजा के प्रति ऐसे तुम्हें नहीं कहना चाहिए। माँ जानकी जी समझाती हैं, पर हमारे पिता हैं राम जी, उन्हें बोध नहीं है। शादी राम कथा सुनने के बाद राम कथा पढ़ाया है, महर्षि वाल्मीकि जी ने महाराज गोद में लेकर के समस्त रामचरित्र को पढ़ाया। निर्माण करने के बाद, पढ़ाने के बाद दोनों लवकुश कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की जो भाव है, ये रामायण तो जरूर है, इसका नाम रामचरित्र जरूर है, और ये रामचरित्र नहीं मेरे लाल, ये सीता चरित्र है, ये सीता जी का चरित्र है, इसमें राम जी की कोई महानता नहीं, भगवती सीता माँ का इसमें महत् चरित्र है, ये संपूर्ण रामायण में कोई सीता चरित्र है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत् प्रभु। संपूर्ण रामायण राम चरित्र नहीं, ये तो सीता चरित्र है, लोग उसको भी समझ में आया। और महर्षि वाल्मीकि को भी यही लगा कि राम चरित्र नहीं तो सीता चरित्र है, लोग दोनों गान करने पर उन्हें ये पता नहीं कि हमारी माँ सीता ही इस रामायण की सीता है, ये भी उन्हें बोध नहीं है, क्योंकि रामचरित्र को संपूर्ण पढ़ने के बाद भी महर्षि वाल्मीकि जी ने परिचय बताया, यदि तुम्हें कोई पूछे तुम्हारा परिचय क्या है तो केवल इतना ही तुम्हें बताना है, महर्षि वाल्मीकि के शिष्य, क्योंकि एक शिष्य के लिए, ब्रह्मचारी के लिए उनका गुरु का परिचय ही पर्याप्त होता है। क्यों? क्योंकि वैष्णवीय परंपरा है, वैष्णव परंपरा में महाराज किसी के माथे में श्री तिलक लगा हो, वैष्णव तिलक लगा हो, तो हम ये नहीं पूछते हैं कि तुम किसके बेटे हो, हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुम किसके शिष्य हो। तो वैष्णव जन से पूछे तो तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे गुरुस्थान कौन है, किनके कृपा पात्र हो, ये पूछा जाए, उनके घर द्वार से क्या लेना देना। महर्षि वाल्मीकि जी ने यह परिचय बताया है, अगर कोई पूछे तो ये बताना हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। ऐसा सुंदर महाराज श्रीमद रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने दोनों कुमार को सुनाया, और आश्रम में ही समस्त रामायण पढ़ाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी पढ़ाते हैं, और आश्रम वासी बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़ी बड़ी साध्वी माताएं हैं, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भीड़ है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि बेटा जो तुमने पढ़ा है ना, आश्रम में बैठकर के इसको सुनाओ, गायन करो रामचरित्र। दोनों भाई को महर्षि वाल्मीकि ने वीणा प्रदान किया, सुंदर महाराज सुरब्रह्म से विभूषित वीणा को प्रदान किया है, और दोनों भाई अपने हाथ में वीणा को लेकर के
मधुर स्वर में रामचरित्र का गान करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, ऐसा मधुर स्वर सुनकर के आश्रम वासी ऐसे मुक्त होते हैं। प्रातर सुर संपन्न गंधर्वाभिवरूपिण रूप लक्षण संपन्न मधुर स्वर भाषण। और उस गान विद्या को ही महर्षि वाल्मीकि ने सिखाया, उस वीणा ने कैसे इस स्वर को महाराज रामायण के इस श्लोकों को छंदों को गायन किया जाए, बड़े मधुर भाषा में मधुर स्वर में राम चरित्र का गान कर रहे हैं। आश्रम वासी ऐसे मंत्र मुक्त होकर के सुन रहे हैं और ऐसा लगता है दोनों का रूप देखने के बाद साक्षात राम जी का ही प्रतिबिंब है, राम जी के फोटो के रूप में है दोनों राव, ऐसा समझ में आता। ऐसे दोनों लाल ने जब राम चरित्र का गान किया है, आश्रम वासी के आंखों में महाराज आंसू है, बड़े प्रेम से इस राम चरित्र का गान हुआ है। महर्षि वाल्मीकि जी प्रसन्न है और रामचरित्र को सुनाते सुनाते जो सीताया चरितम महत, भगवती महालक्ष्मी भगवती सीता माँ के चरित्र का जो व्याख्यान किया, समस्त आश्रम वासी आंखों में आंसू लेकर के उस गान को उस चरित्र को ऐसे श्रवण करते हैं। वास्तव में माँ जानकी जी ने भगवती महालक्ष्मी ने आकर के इस संसार में आकर के कितना कष्ट उठाया है, भगवती सीता महारानी के चरित्र को प्रकट किया। तो भगवती संसार में इतना कष्ट उठा करके, इतना कष्ट सह करके क्यों कष्ट सहन कर रही है? तो भगवती महालक्ष्मी जानकी जी का राम जी से तीन बार वियोग हुआ है, पूरे चरित्र में पूरे जीवन में तीन बार वियोग हुआ है। आचार्यों ने भक्तों ने बार बार कहा कि हे प्रभु आपको अवतार लेना नहीं चाहिए था, ये माँ आपको आना नहीं चाहिए था, आपके महत्व को आपकी महिमा को किसने जाना? लोके तुन महिमा भगवत बदिरे, भगवती महालक्ष्मी सीता माँ के महिमा को दुनिया वालों ने क्या समझा? माँ जानकी जी की परिज्ञा को किसने समझा नहीं? तो भगवती महालक्ष्मी सीता रूप में आकर इतना कष्ट क्यों सहन कर रही है? हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए आचार्यों ने कहा कि उनकी कृपा ने उनकी करुणा ने, हे माता आपको उस करुणा को भी धिक्कार है जिस करुणा ने आपको इतना कष्ट दिया, आपकी दया को भी धिक्कार है जिस दया और करुणा ने आपको इतना कष्ट दिया, जीवन में इतना रुलाया। ऐसे आचार्यों ने अनुभव किया भगवती माँ जानकी जी के उस कष्ट को याद करके तीन बार भगवान के साथ महाराज भगवती महालक्ष्मी के वियोग हुआ है। वियोग में भगवती महालक्ष्मी दो अवस्था में रहती हैं, एक अवस्था में भगवान के साथ विराजती हैं, एक अवस्था में जीवात्मा के तरफ हो जाती है, अपने संतति अपने जीवात्माओं के साथ रहती है। भगवती महालक्ष्मी की दो अवस्था है, इसलिए भगवती महालक्ष्मी जब जीवात्मा के साथ में रहती हैं, जीवात्मा को दुखी देखती हैं, अपने पुत्र संतति को दुखी देखती हैं, तो विश्लेष दशायां चेतनं वशी करोति लोकाचार्य स्वामी लिखते हैं, भगवान से जब अलग होती हैं, भगवान से दूर होती हैं, तो जीवात्माओं को अपने वश में करके भगवत गुणों को स्मरण करा करके भगवान की शरणागति के लिए प्रेरित करती हैं कि तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान के क्रोध के भाजन मत बनो, दंड के भाजन मत बनो, भगवान की कृपा और करुणा का भाजन बनो, उन चेतनों को उन जीवात्माओं को भगवान की शरण में ले जाने का एक माध्यम बनती हैं और भगवान के साथ रहती है, भगवान के साथ निवास करते हैं, तो संश्लेषायाम ईश्वरम वशी करोति, जब भगवान के साथ में रहते हैं तो भगवान को अपने वश में करती है, सेवा करके भगवान को अपने वश में करती है,
और जीवात्मा के अपराधों को क्षमा करवा करके शरण लेने के लिए भगवान को बाध्य बना दिए। दो दशा है, दो स्वरूप है भगवती माँ लक्ष्मी का। तो कभी कभी भगवान को छोड़ करके भी जीवात्मा का उद्धार करना चाहते, क्यों? क्योंकि उनकी करुणा और कृपा से, उनमें इतनी कृपा है, इतनी करुणा है, जीव के कष्ट को देख नहीं पाते तो भगवान को भी छोड़कर अलग हो जाती है। जैसे लक्ष्मी जी के दो वाहन है, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी भी कभी कभी भगवान को छोड़कर अकेले निकलती है। वो कैसे? यही भगवती महालक्ष्मी जब किसी भक्त के घर, किसी सज्जन के यहाँ जाना हो तो भगवान के साथ, भगवान श्री नारायण के साथ गरुड़ वाहिनी बन करके चलती हैं। पर कोई पापी हो, अधर्मी हो, दुराचारी हो, ऐसे के घर में भगवान और गरुड़ की गति नहीं है। गरुड़ वहां भी नहीं जाते, भगवान भी नहीं जाते। तो भगवती माँ लक्ष्मी तो जगत जननी है, उन पापी दुराचारियों के घर में भी जाकर के उसके महाराज सेवा के लिए, भरण पोषण के लिए उलुक वाहिनी बन करके, जिसकी गति अंधेरे में हो, पाप का अंधेरा, अहंकार का अंधेरा, महाराज उस तामस का, जो तामसी होगा, जो तामस का अंधेरा है, ऐसे पापिष्ठों के घर में भी जाकर के भगवती माँ लक्ष्मी उनका भरण पोषण करती। पर वहां भगवान नहीं जाते, केवल भगवती माँ लक्ष्मी जाती। तो भगवान को छोड़ करके भी अलग जाकर ऐसे पापियों का भी भरण पोषण करने के लिए भगवान से अलग भी हो जाती। तो ये तीन दशा बताया, तीन अवस्था, तीन स्वरूप भगवती महालक्ष्मी सीता माँ का भगवान से तीन बार वियोग हुआ। तो पहला विश्लेषण, पहला वियोग कहते हैं कि सुकृपा प्रकाशनार्थम। भगवती महालक्ष्मी जीवात्मा के प्रति कितनी करुणा करती है, कितनी कृपा करती है, उस कृपा को दर्शाने के लिए भगवती महालक्ष्मी महारानी सीता जी राम जी को छोड़कर के अलग हो जाती है। पहला वियोग। दूसरा विशेष, दूसरा वियोग पारतंत्र प्रकाशनार्थम। हम भगवान के पारतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा करना है। भगवान के पारतंत्र को स्वीकार करके भगवती सीता माँ दूसरी बार का वियोग होता है। तीसरी बार का भगवती माँ जानकी का जो वियोग है, अनन्यार्ह प्रकाशनार्थम। अनन्यार्ह भगवान के बिना हम नहीं रह सकते, भगवान से अलग होकर के हम बहुत काल तक नहीं रह सकते, भगवान ही हमारे सर्वस्व है, ये दिखाने के लिए तीसरा वियोग जो धरती में प्रवेश है। इस चरित्र को सुनाया है। तो सुकृपा प्रकाशनार्थम प्रथम विश्लेषा हमारे आचार्य ने वर्णन किया है। भगवती महालक्ष्मी अपनी कृपा को दिखाने के लिए, भगवती महालक्ष्मी जीव पर कृपा करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे माँ अपने बेटे को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, भले उसका पति उनको डांटे मारे कुछ भी करे, लेकिन अपने बेटे को खिलाने के लिए, कुछ देने के लिए माँ स्वतंत्र है, वहां पारतंत्र नहीं। क्योंकि अगर मैं उसे नहीं देखूंगी तो बेचारा मर जाएगा, अगर मैं कृपा नहीं करूंगी तो वो मर जाएगा वो बालक बेटा। तो भगवती महालक्ष्मी की जो कृपा है, जो करुणा है, जो दया है, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए माँ स्वतंत्र भी हो जाती है, माँ पारतंत्र नहीं, क्योंकि कृपा सामने है। तो पहला विश्लेष कहाँ है? भगवान के साथ दंड कारण में जो गई भगवती महालक्ष्मी माँ जानकी, भगवान की कैंकर्य, भगवान की सेवा, प्रभु आपको बिना देखे मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। जंगल की भयानक स्थिति को भगवान ने दर्शाया, हे देवी, हे प्रिय, तुम एक जनक राज की परम प्यारी राज दुलारी राजभवन में प्रकट हुई,
तुमने मन के कष्ट को जंगल के उन कांटों को जंगल के उन हिंसक जानवरों को बड़े बड़े असुरों को तुमने सुना तक नहीं, देखने की बात दूर। वहां क्या चलना, पैदल चलना क्या तुम्हारे बस की बात है? जिनके लिए कहा गया महाराज या तो पर्यंक में रही या तो माँ के गोद में रही, उनको जमीन पर धरती पर पांव देने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब तक जनकपुर में थे। पर पीठ तने गोद ही डोरा, पलंग पीठ तने गोद ही डोरा, सियन दीनी पग अवनी कटोरा, सियन दीनी पग अवनी कटोरा। कठोर धरती पर जिन्होंने अपना पांव तक नहीं रखा जनकपुर में, और वो जानकी जी आज बन जाने को तैयार है। भगवान ने बहुत समझाया ये जानकी, हे सीते हे प्रिय, वन अत्यंत कठिन है, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। चाहे यहाँ रहो चाहे माँ के पास रहो, 14 वर्ष बीत जाएगा। माँ जानकी जी को लगा कि ये प्रभु क्या कह रहे हैं कि आपसे अलग होकर के मैं रह पाऊंगी। उन्होंने कह दिया या तो मैं भी साथ में चलूंगी या तो केवल मेरा प्राण आपके साथ चलेगा, साथ तो जाना ही जाना है, भले शरीर साथ में न जाए। आप शरीर को रोक सकते हैं, मेरे प्राण को नहीं रोक सकते नाथ। एक स्त्री के लिए पति के अलावा और कोई अपना होता है क्या? पति ही सर्वस्व होता है। मैं आपकी उन चरणों को देख देख करके आपके मुखारविंद में जो श्याम कण श्वेत बिंदु पसीने, जब मैंने प्रथम बार पुष्प वाटिका में दर्शन किया था, आप चलते चलते थकेंगे तो आपके चरणों को कौन वहां सम्मान करेगा? मैं चरण सेवा करूंगी, मैं आपके लिए मार्ग प्रशस्त करूंगी। और ये नाथ मैं आपको वन में जाकर किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं दूंगी, आपके लिए बार नहीं, बल्कि मैं सेवा करूंगी। आपके बिना मैं रह नहीं सकती। मां जानकी ने रो करके निवेदन किया, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगं कुशकंटकां। कुशकंटकों को महाराज मैं मर्दन करके आपके लिए सुंदर मार्ग बना करके चलूंगी, और किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार के कष्ट नहीं दूंगे, नहीं सताऊंगे स्वामी में। और मैं विशेष भोग के लिए भी नहीं चल रही हूँ, सततम ब्रह्मचारिणी, निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करके आप तपस्वी बन करके रहोगे तो मैं तपस्विनी बन करके रहूंगी, आप मुझे ले चलो। जब राम जी ने देखा कि मेरे बिना ये रह नहीं पाएंगे, कह दिया कि या तो प्राण चलेगा या मैं चलूंगी। राम जिन्हें आज्ञा दी, यानी जो भगवती सीता माँ भगवान के बिना एक दिन में जीवित नहीं रह पाऊंगी, एक क्षण नहीं रह पाऊंगी, कह करके रोते हुए राम जी के साथ चली आई। और वो जानकी माँ भगवान के वियोग में लंका में महाराज बहुत दिन व्यतीत करना पड़ा। क्या राम की हिम्मत है कि भगवती मां जानकी जी का अपहरण कर ले? सज्जनों, भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य के ऋषि महर्षि ने राम जी का स्वागत किया। मेरे राम जी भी उन ऋषि महर्षियों के बीच में बैठे हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि महाराज बाल किले ऋषि, 60,000 बाल किले ऋषि हैं। कुछ ऋषि ऐसे हैं महाराज मरीचिका केवल सूर्य की किरण को पा करके अपने जीवन यापन करते हैं, कोई वृक्ष आदि का एक लकड़ी का पात्र रखते हैं, उसको धुल करके एक बार पी जाते हैं,
अब कोई ऐसे वायु भक्षण करने वाले, कोई केवल जलाहार करने वाले, कोई केवल पत्तों को भोजन करने वाले, विचित्र विचित्र ऐसे तपस्वी ऋषियों को मेरे राम जी ने देखा। पर उन महर्षियों से आगे देखा एक पहाड़ है, पर्वत है, चमक रहा है, केवल सफेद है, कोई वृक्ष नहीं है। भगवान रघुनंदन ने पूछा, महाराज ये कैसा पर्वत है, इस पर्वत का नाम के इसमें कोई वृक्ष नहीं है। ऋषि ने कहा कि रघुनंदन ये कोई पर्वत नहीं है, बड़े बड़े असुरों ने हम ऋषि महर्षियों को जो खाया खा करके हड्डी फेंकी और हड्डी का ढेर बनते बनते वो पर्वत बन गया है। आपके समस्त भक्त ऋषियों को असुरों ने खाया है रघुनंदन। भगवान राम नेत्र भराया, भगवान रघुनंदन का नेत्र भराया, जो मेरे लिए मेरा भजन करने वाले उन मेरे मुनियों को, मेरे ऋषियों को, मेरे भक्तों को असुरों ने खाया, क्या आपने उन्हें दंड नहीं दिया? क्या वो समर्थ नहीं थे? ऐसे ऐसे तपस्वी महाराज उन्हें असुरों को भस्म कर सकते थे, क्यों आपने उसे क्यों छोड़ दिया? ऋषियों ने कहा कि रघुनंदन क्या हम जीवात्मा क्या अपनी रक्षा हम स्वयं कर पाएंगे? क्या हम अपनी रक्षा करना हमारा धर्म है? परम ज्ञानी है, परम वैष्णव है, देखिए रक्षित तो हमारे राम जी हमारे भगवान है, हम अपनी रक्षा स्वयं कर नहीं सकते। और यह रघुनंदन हमने तो दंड देना बंद कर दिया, हम किसी को दंड नहीं देते। निस्त दंडा भयम राजन जित क्रोधाजितेन्द्रिया रक्षणीयास्तु या सस्वद गर्वभूतस्तपोधन। हे रघुनंदन हम तो सदैव आपके द्वारा ही रक्षणीय हैं, हम अपनी रक्षा स्वयं कर नहीं सकते, हमारी रक्षा तो भगवान करते हैं। भगवान को रक्षक आकर के हमने वरण किया है, रक्षित विश्वास हो भगवान ही हमारे रक्षक हैं, शरणागति कहती है, तो हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते? तो तब का बल है आपके पास, दंड देते तपो बल जरूर है, पर हमने दंड देना बंद कर दिया, किसी को दंड नहीं देते। निष्ठ दंडा क्यों? किसी को श्राप देने में, दंड देने में हमारा पुण्य छीन होता है। एक दिन मरना मर जाएंगे, पर हम अपनी तपस्या को किसी के बध करने में नहीं लगाएंगे। हमने दंड देना छोड़ दिया, निस्त दंडा, तो आपको क्या क्रोध नहीं आता? अपने इन भक्त ऋषि महर्षियों को असुर भक्षण करते हैं, तो हमने जित क्रोधा, क्रोध को भी जीत लिया, जितेंद्रिया इंद्रिय को भी जीत लिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रक्षा करने का भार तो केवल भगवान का है। इसलिए तपोबल सब कुछ होते हुए भी रक्षा तो आप करेंगे। भगवान का नेत्र भराया, भगवान ने दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर ली मुनियों के बीच में, मेरे भक्तों को दुख देने वाले इन असुरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको समाप्त करूंगा, सब असुरों का वध करूंगा मैं। भगवान ने समस्त ऋषियों के बीच में महाराज दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निश्चित चल रहे प्रणती सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दे। भगवान ने कठोर प्रतिज्ञा कर ली, मैं सारे असुरों को धरती से उठा दूंगा, वो धरती को निश्चर विहीन कर दूंगा। प्रतिज्ञा कर ऋषियों को आश्वासन दिया। दिन बीत गया, सायंकाल हुआ, भगवान किसी ऋषि के आश्रम में अतिथि अभ्यागत के रूप में रुकते थे, और भगवती माँ जानकी भगवान का नित्य पाद संवाहन, चरण संवाहन करती है। चरण सेवा करते करते माँ जानकी जी के नेत्र भर आए, आंखों में आंसू देखा, भगवान के चरणों में आंसू टपक गए। मां जानकी जी के आंखों से राम जी ने देखा, जानकी जी
आंखों में आंसू है। धीरे से उषा प्रिय, क्या माँ की याद आ रही है, क्या अयोध्या की याद आ रही है, या असुरों ने मारा, राक्षसों को खाया तो तुम्हें डर लग रहा है? माँ जानकी ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे मन में और कुछ बात है और कष्ट है, एक ही बताओ, एक ही प्रभु, मैं आपको केवल स्मरण करा रही हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, क्योंकि आपको केवल स्मरण करा रही हूँ प्रभु। अगर तीन दोष जीव में आ जाए तो जीव का पतन होता, विनाश होता है। किसी के भी जीवन में तीन प्रकार का दोष आ जाए महाराज, जीव का पतन होता है, विनाश होता है। अरे स्वामी, आपके अंदर तो कोई दोष नहीं है, तीन प्रकार के। पहला है कि महाराज मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। व्यक्ति ने झूठ बोलना शुरू कर दिया तो उसका पतन प्रारंभ हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो झूठ बोलता है। उसका पतन का प्रारंभ झूठ बोलना, जहां प्रारंभ किया मिथ्या वाक्य में। ये दोष आप में कभी भी नहीं है। राम और दूर नाम वास्ते भगवान सत्य बोलते हैं, दो बार बोलते नहीं है। और दूसरा दोष है परस्त्री गमन, परदाराभिमर्चन, वह भी दोष आप में नहीं, स्वप्न में भी नहीं है। और तीसरा दोष है बिना वैरम चरोद्रता, अकारण किसी से वैर कर लेना, बिना कारण के किसी से दुश्मनी कर लेना। मुझे लगता है कि ये दोष कहीं आपके अंदर आ तो नहीं गया। और स्वामी, अधर्म जो होता है, पाप होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जब अंदर प्रवेश करता है तो पता नहीं चलता। कोई अधर्म हमारे अंदर प्रवेश करता है तो धर्म के सहारे प्रवेश करता है। अधर्म अपने आप में बलवान नहीं होता, वो अधर्म धर्म के सहारे, धर्म का पकड़ बना करके, धर्म के साथ चिपक करके प्रवेश करता है। सूक्ष्म होता है, जब वो अंदर महाराज में बढ़ा होता तब समझ में आता है, समझ में तब आता जब वो निकाल ना सकते। तो सूक्ष्म अधर्म कहीं आपके अंदर प्रवेश तो नहीं किया? माँ कहीं ने आपको तपस्वी वेश में दंडकारण्य वन में जाने के लिए कहा था, आपने धनुष बाण क्यों लेके आए? क्या तपस्वी धनुष बाण रखते हैं और आप कोई हाथ हथियार साथ में रखेंगे तो हिंसा होगी? आपको तो विस्तृत तपस्वी वेश में आना चाहिए था। आपने जो धनुष बाण को साथ में लिया, क्षत्रिय माना अपने आप को, क्या तपस्वी होने के बाद क्या कोई जाति धर्म रह जाता है? आप तो शुद्ध तपस्वी है। स्वामी, एक ऋषि थे, बड़े तपस्वी, माँ जानकी जी ने कथा सुनाई, बड़े तपस्वी ऋषि थे। उनकी तपस्या से इंद्र घबराया, कहीं महाराज इनकी सिद्धि हो गई तो मेरा इंद्रलोक चला जाएगा। उनकी सिद्धि पर इंद्र घबराए, और इंद्र ने घबरा कर क्या किया, उनकी तपस्या को छीन करने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, वो एक के वेश में, एक व्याप के वेश में आए इंद्र आए और ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। कि महाराज, मैं कुछ दिन के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, मेरे कुछ अस्त्र शस्त्र हैं, अभी इसका कोई काम भी नहीं है, आप अपने आश्रम में रख दो, मैं आकर के ले लूंगा, और मुझे दे देना है, किसी को मत देना। कहा करके इंद्र चला गया। अब ऋषि संत महात्मा कब तक एक स्थान में रहते, कहीं तीर्थ जाना हो, कहीं कुंभ लगे, कहीं मेला हो, कहीं उत्सव हो, तो कब तक आश्रम में रहते? और उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तभी रहूंगा, किसी दूसरे को मत देना। अब वो ईमानदारी होगी तो कहीं निकलने लगे तो उनके हाथ हथियार भी साथ में लेकर के, कहीं कोई दूसरा न ले जाए, आएगा तो मैं क्या दूंगा?
उसकी आप हथियार की रक्षा के लिए साथ में ले चलने लगे तो हथियार लेके चलने लगे तो कभी सामने जैसे कभी कुछ तोड़ना हो हाथ में हथियार आदत पड़ गई दांतन तोड़ लो या सामने कोई दिखाई पड़े तो उसको हटा लो। तो करते करते उस हथियार के द्वारा उनके द्वारा जीव हिंसा होने लगी। सांप कुछ दिखाई पड़े तो उसे हथियार से इधर हटाए कट जाए। तब इंद्र जो है निश्चिंत तो हुआ कि अब इनकी तपस्या के द्वारा अब मेरे इंद्र पद को कोई खतरा नहीं है क्योंकि हथियार साथ में लेके चलते चलते पाप करना प्रारंभ कर दिया। तो उसी तरह हे नाथ आप तपस्वी वेश में आए थे तो आप ये धनुष बाण क्यों लेकर के आए थे कि देवी कारण क्या है बात क्या है बताओ। तो देखिए प्रभु आपने जो ऋषियों के बीच में संतों के बीच में आपने जो प्रतिज्ञा करी सारे ऋषिचरों को मैं समाप्त कर दूंगा क्या प्रभु सभी ऋषिचर अपराधी हैं? क्या सभी राक्षस दंड के भाजन हैं? अपराध करने वाले को तो दंड देना एक अलग बात है। क्या धरती में जितने भी असुर हैं राक्षस हैं निशाचर हैं क्या सबका वध करेंगे? क्या ये दोष नहीं है? दोष आप में कैसे आ गया प्रभु आप क्षमा करें। भगवान के सामने रोते रोते पाद सम्मान करते भगवती माँ जानकी जी ने निवेदन किया। भगवान ने उनके प्रति उत्तर में क्या कहा कि हे सीते मैंने जिन संतों को ब्राह्मणों को जो वचन दिया मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि हे सीते मैं लक्ष्मण जैसे भाई का परित्याग कर सकता हूं। मैं मेरा लक्ष्मण जैसा भाई का परित्याग कर सकता हूं। मैं तुम्हारी जैसे प्रिया का भी परित्याग कर सकता हूं छोड़ सकता हूं पर मैंने रक्षा के लिए जिन भक्तों को संतों को ब्राह्मणों को वचन दिया मैं उनके वचन को मारा छोड़ नहीं सकता। यानी मेरी भक्त की रक्षा के लिए अगर बाधक बन जाए तो मैं अपने लक्ष्मण जैसे भाई और सीता जैसे धर्म पत्नी का भी परित्याग कर सकता हूँ पर महाराज अपने इन भक्तों का परित्याग इनके लिए जो वचन दिया मैं छोड़ नहीं सकता। यानी भगवान समदर्शी होते हुए भगवान ने पक्षपात दिखाया। यानी जो मेरे भक्त का अपराध करने वाला उसको मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे कोई भी क्यों हो। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान को अपने भक्त की चिंता है। भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करी पर मां भगवती जानकी सीता मां की करुणा भगवान से बढ़कर के बहुत ऊंची स्थिति है। मां जानकी जी को यह चिंता हो गई क्या सारे असुर हैं तो ये भी प्राणी हैं तो ये भी हमारी संतान है अज्ञानी है मूर्ख है क्या इनको ज्ञान देकर अवसर देकर क्या इनको सुधारा नहीं जाना चाहिए? क्या इन्हें सुधरने की मौका नहीं देनी चाहिए? क्या सीधे दंड विधान जरूरी है? क्योंकि अखिल जगत मातरम जो अखिल समस्त प्राणियों की जगत जननी मां होने के कारण उन पापियों के प्रति भी चिंता है उन अपराधियों के प्रति भी चिंता है दुष्टों की भी चिंता है। यानी इनको भी अगर समझाया जाए अवसर दिया जाए तो हो सकता है इनका भी मंगल हो। यानी कृपा के भाजन बने क्रोध के भाजन न बने माँ जाने के लिए ये दया करवा आई है। सज्जनों भगवान में और संत में ये अंतर है। भगवान का अवतार होता है तो भगवान समझाने का काम नहीं करते। समझाने का काम तो भगवान ने ज्ञानियों को अवतार करा करके भेजा है। भगवान के वाणियों को भगवान के संदेश को समझाने के लिए आचार्य जन है ज्ञानी जन है संत जन है वे समझाते हैं। भगवान आते हैं तो सीधे महाराज सफाई का काम करते हैं वहां समझाने के लिए कोई मौका नहीं। भगवान का जब जब अवतार होता है तो भगवान के द्वारा दुष्टों का संहार होता है ज्ञानियों का अवतार होता है। तुम्हारा जो ज्ञान दे करके उनको सुधार
भगवान के भक्त करते हैं और भगवान का काम नहीं कि उन्हें उपदेश देने करके सुधारे, उन्हें मौका अवसर नहीं है। तो माँ जानकी जी कहते हैं इन्हें भी सुधरने का मौका देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, भगवत स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी जानकी जी ने प्रयास किया, अपनी करुणा के कारण, कृपा के कारण, अपनी कृपा करने के लिए भगवती माँ जानकी जी इन असुरों के प्रति दया दिखाती हैं। यदि इनको समझाया जाए तो हो सकता है भगवत शरणागत हो जाएं, भगवान के कोप के भाजन न बने, कृपा के भाजन बने। तो यहाँ से कारण बना कि भगवान भगवती जानकी माँ के मन में आया कि इनको जाकर के हम उपदेश करें, सदुपदेश करें और ये भी भगवान के बने। मन में ये आया तो तब महाराज भगवान से अलग होकर के लंका जाने का विधान बना। माँ जानकी जी का कहना यह था, प्रभो इन असुरों ने क्या अपराध किया है हमारा, इन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं। भगवान कहते हैं मेरा अपराध करना वो अपराध मैं मानता ही नहीं। भगवान तो कहते हैं जो मेरे भक्त का अपराध करे भागवत अपराध उससे सहा नहीं जाता। मैं भागवत द्रोही, भक्त द्रोही, वैष्णव द्रोहियों को मैं छोड़ता नहीं, उन्हें तो दंड देना ही। भगवान कभी भी भागवत प्रचार, भक्त प्रचार, वैष्णव का प्रचार करने वालों को भगवान छोड़ते नहीं। भगवती माँ जानकी ने देखा तब कारण बना कि भगवान का अपराध नहीं किया था इन असुरों ने। जब जानकी जी का हरण हुआ तो महाराज भगवान का भी अपराध बना, भगवती माँ जानकी जी का अपराध बना। विनाश के लिए पर्याप्त, पर फिर भी माँ जानकी जी इसलिए भगवान से अलग हो जाती हैं। रावण के उस हरण के माध्यम से महाराज लंका पहुंच गई और लंका जाकर के भगवती माँ जानकी जी ने उन असुरों को उपदेश दिया, समझाया, पर्याप्त समझाया और समझाने का लाभ कई राक्षस भगवत शरणागत हुए और जाकर के उन राक्षसों को, राक्षसियों की रक्षा करी भगवती सीता महारानी ने। जाकर दुष्ट रावण अनेक प्रकार के प्रलोभन लेकर के भगवती माँ जानकी जी को महाराज काम मोहित होकर के वो पत्नी बनने के लिए महाराज निवेदन करता है, पर माँ जानकी उन असुरों की नगरी में अकेली है, मन में कोई डर नहीं, डरते हुए भी ऐसा उपदेश करते हैं कि हे रावण तृण मंत्रता कृत्वा प्रतिवाच सुस्मिता। एक तृण को अंतर करके महाराज उस रावण को भी भगवती माँ जानकी जी ने उपदेश दिया, समझाया। माँ की तो ऐसी करुणा है, वो रावण जैसे पापी का भी विनाश नहीं चाहता। माँ की करुणा है, ये जगत जननी जानकी जी की महाराज ये कृपा है, करुणा है। वो रावण जैसे अपराधियों का भी अहित नहीं चाहती, हित चाहती, हर जीव पर कृपा करती। रावण को समझाती, रावण तुम भी साधु हो, तुम सज्जन व्यक्ति, साधु धर्मम अवेक्षस्व, साधु साधु व्रतम चर। भगवती माँ जानकी कहते हैं कि हे रावण तुम स्वयं साधु हो और तुम साधु हो तो तुम्हें साधु का धर्म क्या होता है उस धर्म को जाना और उस धर्म का आचरण करो। रावण कहते मैं तो असुर में कहा साधु नहीं, तुम साधु हो। माँ जानकी जी ने कहा कि हे रावण यदि तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी का कोई इज्जत लेना चाहे तो रक्षा करोगे या नहीं? तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी मंदोदरी का कोई धर्म नाश करना चाहे तो क्या उनकी रक्षा करोगे या नहीं? तुम्हारे सामने अगर ऐसा दुराचार हो तुम्हारे परिवार के साथ तो क्या देख करके प्रसन्न रहोगे या रक्षा करोगे? लेकिन रक्षा करूंगा, तेरे परिवार के सामने कोई नजर उठा ले बहु बेटी पत्नी को तो वो क्या है, तुम्हारे अंदर की साधुता है। तो जैसे तुम अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी की धर्म रक्षा करना चाहते हो उसी तरह तुम्हें चाहिए कि दूसरे की बहू, दूसरे की बेटी,
दूसरे की पत्नी की भी धर्म रक्षा करना चाहिए। यथा रक्षत अवतारा तथा रक्ष निसाचर साधु धर्मम अवेक्षस्व साधु साधु व्रतम कर। जैसे तुम अपनी पत्नी की धर्म रक्षा करना चाहते हो, जैसे अपनी बेटी की रक्षा धर्म की रक्षा करना चाहते हो, उसी तरह तुम्हें चाहिए कि दूसरे की भी बहु बेटी की धर्म की रक्षा करें। और ये रावण, तुम एक बार मेरे राम जी के शरण में जाकर के कह दो कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करें, मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ते ही वो प्रसन्न होकर के तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। भगवान के क्षमा गुण, भगवान के दया गुण को दर्शा करके रावण जैसे अपराधी को भी भगवान के शरणागति की महिमा का उपदेश करती है, प्रयास किया कि रावण समझ जाए, क्योंकि राजा समझ जाएगा तो प्रजा तो स्वयं समझ जाएगी। रावण ने कहा कि नमेयम कथंचना, मैं वो रावण हूं, मेरा ये सिर किसी के सामने झुकता नहीं, मैं किसी के सामने हाथ जोड़ करके क्यों जाऊंगा, मैं रावण हूं, मेरे सामने सब आकर के झुकते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा भी देवी मेरे सामने झुकते हैं। न नमेयम कथंचना, रावण कहता है कि मेरे सिर के सब टुकड़े हो जाएं भले, लेकिन मैं झुकने वाला रावण नहीं। ये क्या है? ये अहंकार है, रावण अहंकार है। तो अहंकार कभी झुकता नहीं महाराज, किसी के सामने नहीं झुकता, गुरु के सामने, भगवान के सामने, माता पिता के सामने, बड़ों के सामने, छोटी बात हो जाती है अगर व्यक्ति झुक जाए तो दोनों ही समाप्त हो जाएगा। अगर एक थोड़ा नरम बन गया तुम्हारा सारा द्वंद सारे विवाद वही समाप्त हुआ। पर व्यक्ति कहता न नमेयम कथंचना, रावण का वाक्य है, मैं कभी झुकूंगा नहीं किसी के सामने, बस ये अहंकार हमारा बड़े बड़े दीवार को खड़ी कर देता। भगवत जानकी माँ कहते कि रावण कोई बात नहीं, तुम कहते मैं सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं किसी के शरण में जाने वाला नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपने को राजा मानते, राजा होने का घमंड है, तो मेरे राम जी भी राजा हैं, मेरे राम जी भी राजा हैं। एक राजा दूसरे राजा से मैत्रीय संबंध रखता है, मित्रता कर लेता है, तुमको झुकने की जरूरत नहीं, शरण में जाने की जरूरत नहीं, तुम राम जी से मित्रता भी कर लोगे तो राम जी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो धर्मज्ञ हैं, वो शरणागत वत्सल हैं। विदिता सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल तेन मैत्री भवतु ते यदि जी तुम इच्छसे। हे रावण, यदि तुम जी करके अपना जीवन चाहते हो, ये चाहते हो कि मैं रावण लंका का राजा बना रहा हूं, स्वर्णमयी लंका का राजा बना रहा हूं, तो तुम मेरे राम जी की से मित्रता कर लो, चरण में जाकर झुकने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक राजा दूसरे राजा से मित्रता कर लेता है, तो जाकर राम जी से तुम मित्रता भी कर लोगे ना, तो राम जी तुम्हें जीवन दान देंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो शरणागत वत्सल है। भगवान तो मित्र भाव का भी सम्मान रखते हैं, भले अंदर से मित्रता न हो, अगर कोई बाहर से मित्र का भाव भी रखता हो, मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कथंचन, कोई मित्र जैसा बनकर के भी आता हो, भक्त जैसा, एक भक्त होना होता है, भक्त जैसा होना होगा, एक मित्र होता है, मित्र जैसा होना होगा, तो भगवान कहते हैं कि मित्र जैसा बनकर के भी आ जाए, भक्त जैसा बनकर के भी आ जाए, तो मैं उसे स्वीकार करता, उसका परित्याग नहीं करता। भगवान का ही वचन, इसलिए रावण तुम जाओ भगवान के मित्र भाव से जाओ। तो मां जानकी जी ने उस दुष्ट रावण को भी उपदेश दिया है, कहती कि हे त्रिजटा को पूछती है कि रावण के सामने त्रिजटे, क्या इस लंका में कोई साधु नहीं है, क्या कोई सज्जन नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता, कोई देश हो, कोई नगर हो और वहां सज्जन न हो।
सज्जन तो जरूर होंगे, या तो ये सज्जन के पास नहीं जाता या उस सज्जन के उस साधु के बात को नहीं स्वीकार करता। अगर ये सज्जन की बात को स्वीकार करता तो इसके आचार वर्जित बुद्धि नहीं होती, बुद्धि आचार वर्जिता। भगवती सीता महारानी कहती है, मां जानकी जी कहती है, इस लंका में साधु तो होंगे, त्रिता कति यहाँ साधु हैं, सज्जन हैं, इनके नाना माल के बारे में इनको बहुत समझाया, भाई विष्णु ने बहुत समझाया, तो अवश्य ये महाराज सत्यों के चरण में नहीं बैठता होगा या उनके सदुपदेश को महाराज ये स्वीकार नहीं करता होगा। अगर कोई सज्जन का संग करे और सत्संग में बैठे और उसको जीवन में उतार ले तो उसकी बुद्धि कभी भी आचार वर्जित विपरीत नहीं होती जो सत्संग करने वाला होता है। ऐसा महाराज सत्संग करते हुए उपदेश देना चाहती हैं। रावण को दिए गए उपदेश को सुनकर के बहुत राक्षस असुर सुधर गए। भगवती सीता महारानी ने बहुत सारे राक्षसों को जीवन दान दिया, बहुतों की रक्षा करी। श्री हनुमान जी महाराज जब माँ जानकी जी के दर्शन के लिए खोज के लिए लंका में प्रवेश करते हैं तो अशोक वाटिका में हजारों राक्षसियां माँ जानकी जी को घेर करके डरवाती हैं। कोई महाराज बाल नोचते हैं, कोई सिर पर चढ़ जाते हैं, कोई हम खा जाएंगे कहते हैं। रावण ने डरवाने के लिए महाराज सबको लगा रखा कि भयभीत होकर के मेरी बात को स्वीकार कर ले। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी देख करके महाराज खून के आंसू होने लगे, माँ जानकी को इतना कष्ट दे रही राक्षसियां, अब मैं यहाँ बैठा हूँ पर कुछ कर नहीं सकता, अभी तो मुझे पता कर नहीं। देखा अपने नजरों से रावण वध होने के बाद हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी को यह शुभ संदेश देने के लिए उस अशोक वाटिका में पहुंचे, माँ को प्रणाम किया। हनुमान जी को देख करके माँ जानकी जी का प्राण महाराज सजीव हो जाता है। हनुमान जी ने कहा कि माँ, मेरे राम जी ने दुष्ट रावण का वध किया, राम जी विजयी हुए, मैं शुभ संदेश लेकर के आया हूँ आपके सामने। माँ जानकी जी भाव विभोर हो गई, आंखों में हर्ष आंसू गए, नेत्र बंद हो गए, शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। तब तक हनुमान जी की दृष्टि चारों ओर गई, जितनी राक्षसियां अभी भी थी माँ जानकी को कष्ट देने वाली राक्षसियां, हनुमान जी ने देखा तो महाराज नेत्र लाल हो गए, शरीर फूल गया, बाल खड़े हो गए। इन राक्षसी को एक एक करके मैं मार डालूंगा, ऐसा चित्र बंद करूंगा, नोच नोच करके नखों से इनके मारा। हनुमान जी क्रुद्ध हो गए, नेत्र लाल लाल, शरीर फूला हुआ है। माँ जानकी ने नेत्र खोला तो हनुमान जी का विकराल स्वरूप देखा। ठीक है हनुमान, मैं तो तुम्हें सोच रही थी कि शुभ संदेश के बदले में क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुम्हें, पर तुम्हारा रूप ऐसा उग्र क्यों है? देखिए माँ, मुझे आपने सब कुछ दिया, पहले ही दिया है, यदि आप देना चाहते हो तो ये आज्ञा दो, मैं इन सारे अपराधी राक्षसों का वध करूंगा, एक एक करके तड़पा तड़पा करके मारूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है माँ को कष्ट देते हुए। हनुमान क्यों बद करोगे? लेकिन इन्होंने मेरा मेरी माँ का माँ को कष्ट दिया है, इन्होंने अपराध किया है। भगवान की भगवान श्री राम की परम प्रिया माँ जानकी को कष्ट देने वाली इन राक्षसों को एक को भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि माँ मैं राम भक्त हूँ तो मेरे राम भक्त मने मेरे भगवत द्रोहियों को मैं दंड न दू, इन भगवत द्रोहियों दंड देना ही तो मेरा स्वरूप है, मैं तो राम भक्त हूँ। माँ जानकी ने कहा, नहीं हनुमान, सभी राम भक्तों को, भक्त द्रोहियों को, भगवत द्रोहियों को, भागवत द्रोहियों को तुम दंड नहीं दे पाओगे।
कि मां एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मां ने समझाया हनुमान, इन राक्षसों का कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। देखो ये रावण के बस में होकर के रावण के कारण ये मुझे कष्ट दे रही थी, क्या अब कोई राक्षसी कष्ट दे रही है? देखो कोई राक्षसी मुझे कोई सता रही है? कोई भी तो कष्ट नहीं दे रही है। इनका दोष नहीं था, ये तो रावण की आज्ञा का पालन करने वाली थी। इसलिए हनुमान तुम श्रेष्ठ हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भक्त हो। ये तो अज्ञानी है, तो राक्षसियां हैं। अगर इनके द्वारा कोई अपराध बन गया किसी के कहने से, तो फिर तुम भी वही दंड इनको प्रदान करोगे, तो तुम में और इनमें क्या अंतर रह जाए? हे हनुमान, पापा नाम वा सुभा नाम वा बलारहाणाम प्रबंगम, हे प्रबंगम, हे हनुमान, चाहे अशुभ कर्म करने वाले हो, चाहे पाप कर्म करने वाले हो, और चाहे पद मृत्यु दंड ही इनको देना क्यों ना हो, बलारहाणाम बल के योग्य ही क्यों ना हो, परंतु हनुमान कार्यम करुण आर्येण, श्रेष्ठ पुरुष को, श्रेष्ठ जन को करुणा करना ही उनका कार्य होता है, कृपा करना ही कार्य होता है। न कश्चन अपराध यदि अपराध किसके द्वारा नहीं होता? ये अनुमान, क्या तुम अपराधियों को दंड दे पाओगे? सबसे बड़े अपराधी तो मैं हूं, क्या मुझसे बड़ा कोई अपराधी होगा? भगवान श्री राम जी का अपराध जिसने किया हो, क्या तुम दंड दे पाओगे? मां जानकी ने कहा कि मैंने एक छोटा अपराध किया और एक बहुत बड़ा अपराध किया। छोटा अपराध क्या है? भगवत अपचार, भगवान का अपचार को छोटा कहा मां जानकी जी ने, और भागवत अपचार को बड़ा कहा। मां ने कहा कि मैंने दो अपराध किए, एक छोटा अपराध एक बड़ा अपराध। छोटा अपराध यह था, भगवान श्री राम जी को मैंने आदेश दिया, हे रघुनंदन, हे राम, उस मृग का वध करके आप ले आइए। मैंने भगवान को काम लगाया, भगवान जैसे पूर्ण ब्रह्म पराक्रम मेरे साथ होते हुए भी मैं एक हरिण को देख करके मेरा मन मुग्ध हो गया। यानी भगवान के साथ में रह करके हम दुनिया को देखें, भगवान के सन्निधि में रह करके हम संसार को देखें, संसार के विषय चित्र विचित्र को देखें, ये मेरे द्वारा छोटा अपराध हुआ। और मैंने भगवान को आदेश दिया कि प्रभु इस मृग का वध करके ले आओ। तो भगवान को आदेश देना क्या भक्त का स्वरूप है, क्या सेवक का स्वरूप है? तो मैंने भगवत अपचार किया, और बड़ा अपचार क्या किया? मैंने भगवान श्री राम जी के परम भक्त परम भाग जिन्होंने नवलायिका का पत्नी का परित्याग कर दिया, अयोध्या के राजसुख वैभव का परित्याग कर दिया, उनके लिए वनवास नहीं हुआ था, वनवास तो मेरे राम जी के लिए हुआ था। मेरे प्रभु की सेवा में जिन्होंने सब कुछ परित्याग करके भगवान के परम सेवक जो लक्ष्मण है, भगवान के भक्त है, उन लक्ष्मण को मैंने न जाने कितने प्रकार के दुर्वाच्य के द्वारा उनके हृदय को छलन किया। मैंने ये बड़ा अपराध किया, जो भागवत अपराध है, भगवान के भक्त का अपराध है, ये बड़ा अपराध। भगवान जो भी किया जाए तो उसको छोटा अपराध का, इसलिए भगवत अवतार छोटा होता है, भागवत अवतार भगवान के भक्तों के लिए जो किया जाए वो अपराध बड़ा होता है। यद्यपि भगवती माँ जानकी संबंध में बड़ी है, लक्ष्मण छोटे भाई है, फिर भी कहते कि मैंने बड़ा अपराध किया, भगवान के भक्त भागवत लक्ष्मण का दिल दिखाया है। इन दो अपराध के दंड को मैंने पाया है। जो मैंने अपराध किया उस अपराध का जो फल होता है मैंने पाया इस लंका में। इसलिए हनुमान, क्या तुम सब भगवत द्रोही को दंड दे पाओगे? क्या मुझे भी दंड दोगे तुम? हनुमान जी रो पड़े, माँ आप क्या कह रही हैं? यदि तुम मुझे दंड नहीं दे पाओगे तो ये
मेरा पर इन अब इन राक्षसों को क्यों दंड दोगे? ये तो राक्षस रावण के बस में थी। तब अपराध क्या था? अपराध किससे नहीं होता? जब मुझसे अपराध हुआ तो इन राक्षसियों से अपराध होना तो स्वाभाविक है। इसलिए अपराध करना ज्ञानियों का, इन असुरों का, असुरों के लिए बड़ी बात नहीं। और हम श्रेष्ठ होकर के भी वही काम करें, वो कष्ट दे रहे तो हम भी कष्ट दे, नहीं नहीं पर करुणा करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए। भगवती माँ जानकी ने ऐसा समझाया, हजारों राक्षसियों की शरण लिया माँ जानकी जी ने, और ये सब भगवती माँ जानकी जी की महाराज भक्त बन गई। हाथ जोड़ करके त्रिजटा ने पहले ही बताया था, तुम्हारी रक्षा यदि होगी तो एक दिन यही जानकी जी तुम्हारी रक्षा करेंगी, नहीं तो भगवान राम जी दुष्ट रावण का वध करने के बाद तुम सबको एक एक करके सबको मारी जाओगी। इसलिए जानकी जी को कष्ट देना छोड़ो और भवेयम शरणम ही वह, एक दिन यही माँ जानकी तुम्हारी शरण देगी। त्रिजटा ने जो कहा था, आज राक्षसियों ने देखा हनुमान जी के सामने महाराज हनुमान के क्रोध से कौन बचा सकता। इसलिए हमारे आचार्य श्री कुरेश स्वामी पराशरवक्ता स्वामी ने कहा, मातर मैथिली राक्षसी तब तोया आधापराध कृता रक्षन्ता पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता, यानी भगवती माँ जानकी जी की कृपा और करुणा ने राम जी की कृपा और करुणा को छोटा कर दिया। भगवान की कृपा, भगवान की दया केवल भक्तों के लिए है, सबके लिए नहीं है। और पर भगवती माँ जानकी जी की कृपा सबके लिए है, दुष्टों के लिए भी है, असुरों के लिए भी है, पापियों के लिए भी है, अपराधियों के लिए भी है। तो ऐसी माँ जानकी जी की करुणा, उन करुणा के कारण माँ जानकी जी ने कष्ट पाया। तो ये माँ जानकी जी भगवान से जो पैदा इनका वियोग है, कहते सो कृपा प्रकाशनार्थम, अपनी कृपा को दिखाने के लिए, अपनी करुणा को दिखाने के लिए माँ जानकी जी भगवान से पृथक होकर अलग होकर के बनका गई है। श्री राम जय राम जय भगवान से दूसरा भगवती माँ जानकी जी का वियोग जो कठिन है, महाराज जो परित्याग है माँ जानकी जी का, उसका वर्णन करते हैं हमारे आचार्य। दूसरा विश्लेष, दूसरा वियोग, पारतंत्र प्रकाशनार्थम, हम भगवान के परतंत्र को स्वीकार करते हैं। जीवात्मा का स्वरूप है भगवान के पारतंत्र को स्वीकार करना। जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है, हम कभी भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र रहना हमारा स्वरूप नहीं है। कल निवेदन किया गया था कि जीवात्मा भगवान का वस्तु है, उपकरण है, तदुपकरण वैष्णव विदम मकारा तो जीव। हम भगवान के भोग्य हैं। भोग्य कैसा?
जैसे आपका वस्त्र आपका भोग्य है, जैसे आपका वस्त्र आपका भोग्य है, आपका फल भोग्य है, उसी तरह यह जीवात्मा भगवान का भोग्य है, क्योंकि जीवात्मा रूपी घर के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। जैसे घर के अंदर आप रहते हैं तो आप घर नहीं है, घर के अंदर हम रहते हैं। तो व्यक्ति घर के अंदर रहता तो व्यक्ति घर नहीं होता है, घर से पृथक व्यक्ति होता है। उसी तरह यह शरीर घर है, शरीर के अंदर आत्मा है, तो शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा तो घर और हम जैसे अलग हैं, उसी तरह शरीर और आत्मा भी दोनों अलग है। उसी तरह जैसे शरीर आत्मा का घर है, उसी तरह आत्मा भगवान का घर है, यानी उस आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। इसलिए जैसे हम हर नहीं होते, आत्मा शरीर नहीं होता, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा नहीं होता। माने आत्मा भी, यहां हमारे आचार्य कहते हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह दर्शन कराया गया है कि जो केवल अन्य अन्य धर्म में लगे हुए सनातनियों को एकत्रित करने के लिए वेद की वाणी को अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, माने जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म एक है, हम ही ब्रह्म है, सो हम अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या की गई। केवल लोग भगवान में जुड़े, इसका उद्देश्य केवल उतना है, पर जीवात्मा परमात्मा नहीं है। जीव की ईश समान, गोस्वामी ने कहा कि क्या कभी जीवात्मा भगवान के समान हो जाएगा? नहीं, वो उनका वस्तु है। हाँ, उनमें मिलने के बाद, सायुज्य मोक्ष पाने के बाद, ऐसा एक मोक्ष है जो जीवात्मा परमात्मा में लीन होता है। नहीं तो भगवान जीवात्मा को अपना स्वरूप देते हैं, सारूप्य मुक्ति, उसे शंख चक्र गदा पद्म महाराज किरीट कुंडल मुकुट शोभा भगवान का जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवात्मा भगवान नहीं होता। और जीवात्मा भगवान का सदैव भोग्य वस्तु, इसलिए भोग्य वस्तु पारतंत्र होता है। जैसे मकान हमारा भोग्य है, इसको तोड़ करके चाहे ऐसा बनाना चाहे मकान, ये नहीं कहेगा मुझे मत तोड़ो, हम उसको सुंदर बनाते हैं, बदलते रहते हैं। तो उसी तरह यह जीवात्मा भी भगवान का भोग्य यानी पारतंत्र, भगवान इसको जैसा चाहें वैसा इसको रख सकते हैं। और हमें भगवान के अनुकूल होकर के भगवत पारतंत्र को स्वीकार करना है, यानी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया कहकर भगवान को आरोप नहीं लगाना। ये भक्त का स्वरूप है। जो अज्ञानी कोई मकान को आप फोड़ फोड़ करके बढ़िया बनाते हो, मकान कभी कहता कि तुमने क्यों हथौड़ी चलाई, क्यों तोड़ा, लड़ाई करने आता है, मुकदमा करता है, नहीं करता। क्यों? क्योंकि मकान हमारा पारतंत्र, हम जैसा बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। उसी तरह जीवात्मा को भी भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, तो हमें वैसे बनना है, भगवान के पारतंत्र को स्वीकार करना है। तो जीवात्मा का स्वरूप पारतंत्र है, ये दिखाने के लिए भगवती माँ जानकी जी ने पारतंत्र को स्वीकार करके उनका जो दूसरा वियोग है। सज्जनों, रावण वध के बाद भगवती माँ जानकी जी राम जी का दर्शन करने के लिए प्रथम बार आती माँ जानकी जी को लेने के लिए विभीषण जी गए, दोबारा भेजा, हनुमान जी पहले संदेश लेकर के आए। विभीषण जी जाकर के निवेदन किया कि हे माता, भगवान रघुनंदन राघवेंद्र प्रभु की आज्ञा है कि आप चले, अब भगवत दर्शन करें, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। माँ जानकी जी का हम चलते वैसे ही चलने वाले थे, भगवान का आदेश था कि उन्हें स्नान करा करके दिया। विभीषण जी ने निवेदन किया, क्या भगवान इतने, कहीं दो वर्ष का वर्णन है, कहीं एक वर्ष का वर्णन है, जो भगवती माँ जानकी जी लंका में रह गए, इतने दिन भगवान से अलग होकर के वियोग में रह रहे भगवती सीता के लिए, अब भगवान ने रावण का वध किया, भगवान बुला रहे हैं,
तो भगवान से मिलने के लिए क्या वहां स्नान करके श्रृंगार करने के जाने के समय जो उतना जो समय है क्या आतुरता में कि हम जल्दी पहुंचे जाकर के तत्काल दर्शन करने पहले रघुनंदन का, तो माँ जानती तो आतुर है कि अरे स्नान क्या करना, कपड़े क्या बदलना, मैं जाकर अपने रघुनंदन अपने स्वामी का दर्शन कर लू पहले। लेकिन नहीं, प्रभु की आज्ञा है कि आपको स्नान करके चलना है। स्वीकार किया कि प्रभु जिसमें प्रसन्न हो, क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा है, क्योंकि माँ जानकी जी जब तक महाराज लंका में रही रोषित भर्तृका का नियम ले व्रत लेकर के, क्यों पति से अलग होने पर शास्त्र पति न होने पर स्त्री को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, अलंकार नहीं करना इत्यादि जो व्रत थे, नियम थे महाराज, वो ऐसे तपस्वी के रूप में वहां थी, वस्त्र मलिन जैसे थे महाराज, बाल जटाजट जैसे थे, और उस अवस्था में आना तो चाहती पर रानी ने स्नान करके आने को कहा, क्यों कि मेरे सारे बंदर सेना केवल माँ जानकी के दर्शन करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, और जानकी का ये प्रथम दर्शन करें तो सुंदर रूप में दर्शन करें, क्योंकि प्रथम दर्शन जो प्रथम दृष्टि होती है वो आंखों में बस जाती है, हृदय में बस जाती है। तो मेरी जानकी जी को ये कोई ये न कहे, अरे जिन जानकी जी के लिए युद्ध कर रहे थे हम, ये तो बंदर है, उनके मन में ऐसा न हो कि अरे इन्हीं के लिए युद्ध कर रहे थे। भगवान ने श्रृंगार स्नान करके आने को कहा, आतुरता तो है कि प्रभु को जाकर के जल्दी उनके चरणों पकड़ करके, नेत्र में आंसू देकर के उनके चरण पकड़ करके उन्हें प्रणाम करूं, उनके चरण को जल्दी से जल्दी मस्तक लगा करके महाराज उनके चरण में लिपट जाऊं, ऐसी भावना है। पर स्नान करके आती हैं, जैसे सामने आई प्रणाम करने के लिए जैसे चरणों में झुक जाती है, राम जी पीछे हो गए, दूर हो गए। कि सीते मैंने इस लोक कलंक को मिटाने के लिए रावण का वध किया है, मैंने तुम्हें पाने के लिए वध नहीं, जो मैंने युद्ध नहीं किया है, मेरे ऊपर कलंक लगा था उस कलंक को मिटाने के लिए मैंने रावण का वध किया, अब तुम जहां जाना चाहते जिसके साथ रहना चाहते तुम मेरे आंखों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल देखना तक नहीं चाहता, जैसे नेत्र के रोगी को दीप अच्छा नहीं लगता तो उसी तरह अच्छी नहीं लग रही हो, क्या राक्षस के भवन में रही सीता को मैं स्वीकार करके जाऊं? तुम जहां जाना चाहते स्वतंत्र हो, मैंने तुमको राक्षस के बंधन से मुक्त कर दिया। ऐसी कठोर वाणी को सुनकर के महाराज हाहाकार हो गया, सारी बंदर सेना रो रही, वहां सारे देवता उपस्थित हैं, ब्रह्मादि देव हैं, शंकर आदि हैं, सब रो पड़े, ऐसा क्यों कठोर हो गए रघुनंदन? आज वहां जानकी की आंखों में जो कल्पना करके भगवान के चरणों में आकर के लिपट जाऊंगी, मेरे प्रभु का दर्शन होगा, ऐसे जो भावना लेकर के आए प्रभु दूर हो गए, नेत्र नीचे आए सामने देखा तक नहीं है, दीपा तो रही तम नेत्र, जैसे नेत्र रोगी को दीप दर्शन अच्छा नहीं होता, आचार्य ने भाव व्यक्त किया, भगवान के इस कथन में माँ जानकी जी में दोष नहीं है बल्कि नेत्र में दोष है, मेरे भगवान ने ऐसा कहा जैसे दीप नेत्र रोगी देख नहीं सकता, आंख जिसकी खराब हो बीमार हो उसमें दीप का क्या दोष, दोष तो नेत्र का है। हाहाकार मची, सारी बंदर सेना रोने लगी, प्रभु इतना कठोर क्यों बन गए? माँ जानकी ने कहा देखा प्रभु नेत्र उठाकर देख ही नहीं रहे, लक्ष्मण के हृदय में अपार कष्ट है, आज प्रभु इतने कठोर क्यों बन गए? जिन माँ जानकी जी को पाने के लिए इतना प्रयत्न किया, ऐसा विलाप कर रहे थे मन में, आज माँ जानकी को पाने के बाद इतना कठोर क्यों बन गए? आज लक्ष्मण के आंखों में आंसू है, माँ सीता ने देखा भाई लक्ष्मण की ओर, उनके अंदर आज भी दया है, करुणा है, सम्मान है, मेरे प्रति भाव है, माँ जानकी
के मन में संकोच है, मैंने मेरे लक्ष्मण का अपराध किया, उनकी बात न मानी। लक्ष्मण की ओर देखा तो मां जानकी समझ गई आज भी हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति दया है। बड़ी मुश्किल से कहा कि लक्ष्मण, मैं भगवान से, मैं प्रभु से अलग होकर के जीवित नहीं रह पाऊंगी, मेरे लिए तुम चिता तैयार करो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मां ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी छोटे हैं, भगवान की ओर देखा, प्रभु की क्या इच्छा है, क्या मां जानकी जी जो चाहती हैं, क्या मैं ऐसा करूं अपनी मां के लिए, मैं चिता तैयार करूं। भगवान की ओर देखा तो भगवान के इशारे को समझ गए, भगवान के नेत्र को देखकर समझ गए। रोते रोते महाराज काष्ठ चयन किया, लकड़ी इकट्ठा करने लगे, क्योंकि हनुमान तुमने मुझे जीवित करके अच्छा नहीं किया, मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा था। आज मैं अपनी माँ सीता की भी लकड़ी चयन करके चिता तैयार कर रहा हूँ, जिन माँ के लिए जो निर्दोष है। रोते रोते लक्ष्मण भाई ने चिता तैयार की, अग्नि प्रज्वलित हुआ, भगवान श्री राम जी खड़े हैं, मां जानकी ने प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी, सबके सामने अग्निदेव से प्रार्थना किया, हे अग्निदेव, मेरा यह शरीर परवश में था, मेरे शरीर को रावण ने स्पर्श जरूर किया होगा, रत्न बिठा करके उसने ले आया, पर जो मेरा मेरी मेरी आत्मा है, मेरा मन है, शुद्ध है, वो तो मेरे भगवान के चरण में लगा रहा है कि हे हे अग्निदेव, यदि मैं मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मेरा धर्म सुरक्षित है, तो ये अग्निदेव आप मेरे लिए शीतल हो जाए। हे अग्निदेव, आप मेरे लिए शीतल हो जाए, यदि मैंने अपने राम जी को छोड़कर के मन में अगर किसी के लिए भी अगर स्थान न दिया हो, मेरे मन से राम जी एक पल के लिए भी दूर न हुए हों, मेरा पातिव्रत धर्म यदि सुरक्षित है, तो हे अग्निदेव आप मेरे लिए शीतल हो जाए। रोते रोते मां ने अग्नि की प्रदक्षिणा करी, और जैसे बड़े यज्ञ में पूर्णाहुति होती है उसी तरह मां जानकी अग्नि में कूद गई, हाहाकार मच गया, राम जी भी रुदन करने लगे, लक्ष्मण जी एक तरफ रो रहे हैं, सारी बंदरी सेना हाहाकार मच गया, ये प्रभु ने ऐसा क्यों किया। तब तक अगले क्षण साक्षात अग्निदेव सिंहासन लेकर के प्रकट होते हैं, सिंहासन में महाराज भगवती जानकी जी को विराजमान कराया, अग्निदेव ने भरी सभा में कहा, हे राम, हे रघुनंदन, ये सदा सर्वदा ये जानकी सीता परम पवित्र है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ये परम पवित्र, इसे स्वीकार कर उठाकर अग्निदेव ने आदेश दिया, और मां जानकी को भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। यदि कोई लोक कलंक लोक दोष यदि इनमें किसी ने देखा भी हो, उनके मन में भावना आई भी हो, वो सारे दोष अग्नि में जलकर के भस्म हो गए, ये परम पवित्र सीता को आप स्वीकार करो। अग्निदेव ने भगवान श्री राम जी के हाथ में सौंपा, भगवान श्री राम जी ने आंखों में आंसू भर करके मां जानकी को हृदय में लगाया, देवी मैं जानता हूं कि तुम परम पवित्र हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, तुम्हारा धर्म सुरक्षित है, पर मैं अयोध्या में जाकर के किसको क्या क्या समझाता है, इसलिए मैं कठोर बन करके मैंने अग्नि परीक्षा दिलाई, तुम पवित्र हो फिर भी मुझे क्षमा करना, जो मैं कठोर बन करके ऐसा किया, तुम सदा मेरी प्राण प्रिया हो, तुम पवित्र हो, भगवान ने स्वीकार किया है। वहां से जब अयोध्या जी आए, दुनिया जानती है, सारे देवता महाराज वहां दशरथ जी महाराज हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, देवराज इंद्र देवगण हैं, सब ने देखा भगवती मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी, अयोध्या में भी आकर सब जानते हैं मां जानकी जी अग्नि परीक्षा देकर के आई, फिर भी कुछ समय के बाद मां जानकी जी के गर्भ में बालक आए, गर्भावस्था में, जिस अवस्था में
जिस बहू की सेवा और संरक्षण की जरूरत है, उस अवस्था में महाराज किसी ने कहा उनके भगवान के चल दूत गुप्त चर गांव नगर में भ्रमण करते कहीं सुनाई पड़ा वो कोई किसी पत्नी को महाराज पीट रहा था। हम वो राम नहीं कि महाराज दूसरे के घर में जाकर रही पत्नी को स्वीकार करने, हम वो राम नहीं। यदि राजा ही ऐसा करें तो प्रजा क्या करेगी? कल हमारे घर में भी अगर हमारी पत्नी अगर ऐसे करेगी तो हमें स्वीकार करना होगा। यदि जब राजा ही ऐसा करते हैं दूसरे के घर में गई पत्नी को स्वीकार करते हैं तो प्रजा क्या करेगी? हम क्या कह सकते हैं? ऐसा कहीं सुनाई पड़ा। गुप्तचरों ने राम जी को ये सूचना दी। क्यों? क्योंकि जो भी बात होती है गुप्तचर सुनाते, भगवान सुनकर के मन में विचार करते हैं, क्योंकि मैं राजा हूं और ये प्रजा मेरी, मैं प्रजा के सेवक हूं, प्रजा को प्रसन्न करना, धर्म और मर्यादा की रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान ने विचार किया। तत्काल मध्य रात्रि में लक्ष्मण को महाराज कहते, लक्ष्मण से सारी बात भगवान ने कहा। अगले दिन उससे एक दिन पहले भगवती माँ जानकी को देखा, कल्याणवती हैं, गर्भवती हैं। भगवान ने पूछा, हे सीते तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या चाहती है? माँ जानकी ने अपने मन की इच्छा बताई। हे प्रभु, आप जानते ही हैं हम वन में गए तो हाथ में कुछ लेकर के गए नहीं, सारे अपने खजाना को सभी ही छोड़कर बांट करके गए, खाली हाथ गए। और एक गृहस्थ का धर्म होता है, उस धर्म का पालन भी हम नहीं कर पाए। हम गए यहाँ से लेकर प्रयाग चित्रकूट से लेकर दंडकारण्य तक गए, पर ऋषि महर्षियों से मिलते रहे, उनके आश्रम में जाते रहे, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ गए। हमारे मन में एक इच्छा है, हम ऋषि महर्षियों को जाकर के कुछ भेंट अर्पण कर, हम किसी को कुछ दे नहीं पाए, इसलिए हमारे मन में है हम आश्रम में जाकर के उन ऋषि महर्षियों के वस्त्र अन्न इत्यादि जो भी भेंट होता है उनकी प्रसन्नता के लिए हम भेंट करना चाहते हैं। ऐसा बताया था माँ जानकी ने। राम जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, चिंता मत करो, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। माँ जानकी जी को कुछ पता नहीं है, रात में इतनी बात होती है लक्ष्मण जी को। राम जी ने आदेश दिया, लक्ष्मण तुम्हें कुछ नहीं कहना है, सीता जी को सब पता है, वो तैयार मिलेगी आपको, आप कल प्रातः काल रथ में बिठाकर सुमंत्रपुर ले जाकर के गंगा जी के तट पर उन्हें छोड़ा। ये बात मां जानकी को पता नहीं। लक्ष्मण जी प्रातः काल होता है, पूरी रात सोए नहीं, लक्ष्मण जी को बता रखा उनको छोड़ करके आना है। लक्ष्मण छोटे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। लक्ष्मण जी के आंखों के सामने अग्नि परीक्षा हुई है, पर भगवान का आदेश है, इसलिए लक्ष्मण जी के मन में कई बार ऐसा कष्ट हुआ, मेरा छोटा होना, मैं बड़ा होता तो इन्हें कुछ आदेश दे सकता था, पर मैं छोटा हूं। मन में जो पीड़ा है, क्या मां जानकी को छोड़कर के हमें अकेले आना है? रात भर रोते रहे, नींद नहीं आई, प्रातः काल अपने को संभल करके मां जानकी के सामने दरबार में सुमंत्र से कहा, रथ लगाओ। मां जानकी जी अनेक प्रकार के पात्र हैं, वस्त्र हैं, बलकर हैं, हवन सामग्री हैं, सब लेकर के तैयार बैठी हैं। लक्ष्मण जी ने सारा सामान रथ में रखा, मां जानकी जी बैठ गई। जितने आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण के आंखों से आंसू अश्रु धारा प्रवाहित होते जा रहे हैं। मां जानकी को सारे अपशकुन हो रहे हैं, कुछ अमंगल दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू है। मां जानकी जी कहती, लक्ष्मण तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि तुम राम जी को छोड़कर के दूर जा रहे हो, क्योंकि कभी तुम राम जी से अलग नहीं हुए। अरे मेरे मन में है कि मैं भी तो राम जी से प्रेम करती हूँ। अरे जाकर उन ऋषि महर्षियों का सम्मान करके हम लौट करके आ जाएंगे, जल्दी आएंगे, लौट करके क्यों रो रहे हो?
जैसे कहा कि लौट करके आ जाएंगे, लक्ष्मण और रोने लगे क्योंकि प्रभु ने तो छोड़ करके आने को कहा, लौट के कहां आना है। आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं, जाते जाते जैसे ही गंगा नदी दिखाई पड़ी, लक्ष्मण जी फूट फूट करके रोने लगे। यही गंगा जी का तट आ गया है, गंगा जी का उस पार छोड़ना का। नाभिक को बुलाया, सारे सामान वस्त्र इत्यादि रख करके सुमंत्र जी रथ से उतारते हैं। जैसे नाव में रखकर पार होने लगे, लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू रुके नहीं है, गंगा तट भी आ गया। उस पार उतारने के बाद भगवती माँ जानकी उतरी, लक्ष्मण जी उतरे, सारा सामान वस्त्र आदि उतारा गया। लक्ष्मण जी ऐसे फूट फूट कर रोकर के मूर्छित होने लगे। माँ जानकी को अभी तक पता नहीं लक्ष्मण का रोने का कारण क्या है। अब लगाती है लक्ष्मण क्यों इतना रो, लेकिन लक्ष्मण तुम ऐसा कभी दुखी नहीं हुए, ऐसा कभी तुम्हारा रुदन नहीं हुआ, आखिर कारण क्या है। कि चलो आगे मुनियों के आश्रम में चलो, मैं हम जल्दी मुनियों को ये सब जान लेकर कि हम सब जल्दी लौट चलेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मुझे क्षमा करना, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। क्यों कहने की हिम्मत नहीं वहां जाकर। लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा कि मां राम जी ने आपका परित्याग कर दिया है। ऐसा कहकर के मूर्छित हो गए। मां जानकी जी ऐसा सुन करके राम जी ने मेरा परित्याग किया है, उन लोक निंदा के भय से मेरा परित्याग किया, ऐसा सुनकर मां जानकी जी मूर्छित हो जाती। लक्ष्मण एक तरफ रो रहे हैं, उधर मां जानकी जी रो रही हैं। उस जंगल में लक्ष्मण राम जी की आज्ञा पालन करना कितना कठोर है, कितना कठिन है। मां जानकी जी की ओर देखते देखते रोते रोते धीरे लौटने लगे। उधर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, रोती हुई मां जानकी जी वहां पड़ी हुई है। लक्ष्मण थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मां जानकी जी ने कहा कि लक्ष्मण मेरे प्रभु से मेरे राम से जाकर निवेदन करना, कहीं मेरे प्रेम ने कहीं मेरी याद में वो अधर्म और अमर्यादा का पालन न करें, अर्थात ऐसे लोगों को दंड न दें और अपनी धर्म और मर्यादा का पालन करें, मेरे कारण उनके जीवन में कलंक लगा। अगर मैं न आई होती तो शायद कलंक न लगता, मेरे कारण उनके जीवन को मैंने कलंकित किया, इसलिए मेरी ओर से क्षमा याचना करना। और वो तो प्रजा वत्सल हैं, प्रजा के लिए उन्होंने परित्याग किया, भले वो पत्नी रूप में न देखे तो हम उनकी प्रजा तो है। और ये लक्ष्मण जाते जाते महाराज कुछ कहना चाहती है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। कहती लक्ष्मण जाकर के उन अयोध्या वासियों से, उन समाज में उन सबको बता देना, एक कलंक के कारण राम जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया जीवन में। मैं जानती हूं कि मेरे राम जी के अंदर जो प्रेम है, पर लोक निंदा के कारण जो उन्होंने परित्याग किया, कलंक को सहन किया। ये लक्ष्मण आज देख लो, आज भगवती जानकी जी ने कहा कि लक्ष्मण ये बात तो किसी को पता नहीं कि मैं गर्भवती हूँ, केवल राम जी को पता है। अगर कल के दिन में आकर ये प्रजा ये भी दूसरा कलंक न लगा दे, ये लक्ष्मण आज तुम अपने आंखों से देख करके जाओ और अयोध्या वासियों को, उन प्रजाओं को बताना कि सीता गर्भवती है। तुम आज मेरे उदर को देख करके जाओ। ऐसा सुनकर के लक्ष्मण मूर्छित हो गए। जिन माँ का चरण से ऊपर कभी नजर नहीं उठा कर देखा, जिन चरणों को प्रणाम किया केवल चरणों को देखा, आज मैं माँ आपके उदर को देखूं क्या ये मेरे लिए उचित है। लेकिन नहीं लक्ष्मण, आज मैं आदेश दे रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ, तुम आज मेरे इस उदर को देख करके जाओ।
मैं गर्भवती हूँ और जाकर के उन अयोध्यावासियों को ये संदेश देना, सीता गर्भवती है, नहीं तो मेरे राम जी के ऊपर कल दूसरा कानून लग सकता है। ऐसी अवस्था में राम जी ने परित्याग किया। अभी तक का कष्ट तो लक्ष्मण को था ही, एक और पीड़ा, एक और कष्ट बढ़ गया कि राम जी ने ऐसी अवस्था में एक मर्यादा और धर्म के लिए कैसी मर्यादा है, ऐसा धर्म है अपनी प्राण प्रिया पत्नी जिसमें दोष नहीं है, निष्कलंक है, पवित्र है, अग्नि परीक्षा भी है, ऐसी गर्भवती पत्नी का परित्याग करके अपनी मर्यादा का पालन करना चाहते हैं, कैसी मर्यादा है मेरे राम जी की, पर बोल नहीं सकते। रोते रोते लक्ष्मण जी आए, गंगा जी के इस पार आए, एक पेड़ के किनारे पेड़ के ओट में बैठ करके देखते रहे, कहीं इस पीड़ा में आकर के मेरी माँ कहीं गंगा जी में आत्महत्या न कर ले, वो कहीं गंगा जी में कूद न जाए। लक्ष्मण जी आगे बढ़े नहीं, जब तक महाराज मां जानकी जी रोती रही, विलाप करती रही। मां जानकी जी ने सोचा, क्या वो एक बार कह नहीं सकती थी, मैंने अग्नि परीक्षा दी है, भरी सभा में प्रजाओं के बीच में, ये तो कह सकती थी कि मैं अग्नि परीक्षा लेके आई हूँ, अग्नि परीक्षा को देखने वाले सभी लोग एक बार उपस्थित तो हो जाए और वो कह दे। परंतु मां सीता ने ऐसा नहीं सोचा, हम परतंत्र हैं, प्रभु की इच्छा यही है कि मुझे दूर रख करके वो अपनी धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहते हैं, तो मेरा दूर ही रहना मेरा भी स्वरूप है, क्योंकि हम भगवान के परतंत्र हैं, पारतंत्र हैं, जीवात्मा भगवान के अनुकूल ही उतरना जीवा का स्वरूप होता, भगवान की इच्छा के अनुकूल। तो मां जानकी ने इस पारतंत्र को स्वीकार करने के लिए, हम सदैव भगवान के अधीन पारतंत्र को स्वीकार करते हैं, यह बताने के लिए अग्नि परीक्षा देने के बाद भी एक बार भी मां जानकी जी ने नहीं कहा कि मेरी अग्नि परीक्षा हो चुकी है तो मेरा परित्याग किस लिए, वो कह तो सकती थी लेकिन नहीं कहा। रुदन करती रही, लीला करती रही, गंगा जी के तट पर भगवान श्री राम जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, पर धन्य उनकी मर्यादा, उनका धर्म जानती हैं, मेरे स्वामी मेरा परित्याग नहीं कर सकते हैं। विश्वास है, एक देवी, एक राज रानी, एक राज घर में, राज दरबार में जो प्रकट हो गई राजकुमारी के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट की बहू आज एक अनाथ की तरह गर्भवती अवस्था में, घर नहीं, द्वार नहीं, महल नहीं, एक पेड़ के नीचे विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कुछ दूर था, उनके शिष्य महाराज वहां समिला कन्दम लेने के लिए जंगल में आए थे, उनके कानों में उनकी रुदन की आवाज आई, कोई एक अबला, कोई देवी कोई रो रही है, अनाथ की तरह असहाय देवी कोई रुदन कर रही है। दौड़ते दौड़ते जाकर शिष्यों ने गुरु जी को, वाल्मीकि महर्षि को बताया। महर्षि वाल्मीकि दौड़ करके आए, तपसा लब्ध चक्षुष्मा, महाराज ध्यान से देखा तो अरे ये तो साक्षात भगवती जानकी हैं, राम पत्नी हैं, उन्होंने इनका परित्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि समझ गए, दौड़ करके आए उन शिष्यों के साथ जहां मां जानकी जी विलाप करके करुण क्रंदन कर रही थी। देखा दूर से महर्षि वाल्मीकि आ रहे हैं, दशरथ जी महाराज के मित्रवत हैं। मन में एक भय और पैदा हुआ मां जानकी जी के मन में, अगर ये पूछेंगे मुझसे कि हे सीते तुम यहाँ कैसे हो, क्यों हो, ऐसे रुदन क्यों कर रही हो, तो मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या मैं ऐसे अपने मुंह से कह पाऊंगा कि मेरे राम जी ने मेरा परित्याग कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे राम जी ने मेरा परित्याग नहीं किया है, भले मेरा शरीर दूर है पर मन से मेरा परित्याग मेरे राम जी ने नहीं किया है, मैं कैसे उनसे कहूंगी कि मेरे राम जी ने मेरा परित्याग कर दिया है। मन में संकोच और भय से रुदन करने लगी। महर्षि वाल्मीकि जी पास में आए, आकर के कहा कि बेटी तो चिंता मत कर, मैं जानता हूँ, मैं सब पहचानता हूँ,
प्राणी ने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। लोक मर्यादा के लोक कलंक से बचने के लिए राम जी ने ऐसा किया, तो चिंता मत कर, चल मेरे आश्रम में चल। तो लक्ष्मण जी इधर से देख रहे थे, जब तक महर्षि वाल्मीकि जी ने आकर के सीता महारानी को महाराज स्वीकार नहीं किया, लेकर आगे नहीं बढ़े, तब तक लक्ष्मण जी आगे नहीं बढ़े। देख रहे थे महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता को उठाया, एक बेटी चल मेरे आश्रम में, तुम्हारी सेवा आश्रम में होगी, तो चिंता मत कर। महर्षि वाल्मीकि जी ने जाकर आश्रम में बड़ी बड़ी महाराज शास्त्री माताएं रहते थी, उन माताओं के बीच में ले जाकर बताया, ये हमारी बेटी है, इस बेटी का ख्याल रखना, ये मेरी बेटी है, इसके पति ने इसका परित्याग कर दिया है और इसके मन में कभी भी अपने पति के लिए और अपने सुख के लिए आंख में आंसू आए ऐसा नहीं होना, इनको बेटी मान करके इनकी सेवा करना। आज महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में उन देवियों को ले जाकर जानकी जी को सौंपा। लक्ष्मण जी इधर लौट करके तब आए हैं, माँ जानकी का संदेश लिया, तो भगवती माँ जानकी जी का ये दूसरा वियोग क्या है, पारतंत्र प्रकाशनार्थम, भगवान के पारतंत्र, भगवान जैसा चाहते हमें वैसे ही रहना है, इसको बताने के लिए माँ जानकी जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि अग्नि परीक्षा के बाद फिर मेरा परित्याग क्यों वाल्मीकि आश्रम में। तीसरा भगवती माँ जानकी का, इसलिए ये श्री रामायण सीता या चरितम महत, ये राम जी का चरित्र नहीं, यहाँ तो सीता जी की करुणा, सीता जी की वेदना, वो केवल धर्म मर्यादा और करुणा करने के लिए उन्होंने जीवन मारा, जीवन भर कष्ट को उठाया, इसलिए रामायण में सीता या चरितम महत महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। कृष्णम रामायणम काव्यम सीता या चरितम महत, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम माँ जानकी का चरित्र है, विश्लेष है, भगवान से वियोग है, उसको कहते हैं अनन्यार्थ प्रकाशनार्थम, भगवान के अनन्य जीव का स्वरूप है, भक्त का स्वरूप है, वैष्णव का स्वरूप है, कि भगवान से अलग होकर के ये जीव रह नहीं सकता है, इसको दिखाने के लिए भगवती माँ जानकी का ये तीसरा वियोग है। भगवान से अलग होने पर भी भगवत चिंतन में, भगवत ध्यान में माँ जानकी जी भगवान को अपना पति मानकर उसी भाव में रहती हैं, भगवान अलग नहीं है ऐसा अनुभव करते। परंतु जब मन में भगवत विरह की वेदना बढ़ी, अब भगवान से अलग होकर के हम रह नहीं सकती, रह नहीं पाएंगी, मन में ऐसा हुआ, तो महाराज अंतिम समय से पहले ही जहां भगवान श्री राम प्रभु भगवती सीता के वियोग में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जीवन में इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, धर्म और मर्यादा का पालन करते बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, अकेले भगवान राम जी ने, यानी भगवती सीता से अकेले होने के बाद भी धर्माचरण में पूरा जीवन बिता, यानी पत्नी के साथ न होने पर भी जीव को महाराज गलत मार्ग में नहीं, धर्म मार्ग में भगवत चिंतन नहीं लगना चाहिए। मेरे राम जी ने जीवन भर बड़े बड़े यज्ञ किए, हजारों हजार यज्ञ किए, स्वर्ण सीता बनाई गई, स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई,
नई साधना के क्षेत्र में महाराज एक अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ। उस नई साधना के यज्ञ में देश के कोने कोने के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को निमंत्रण हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का निमंत्रण हुआ। नई साधना की पावन धरती अष्ट भूवैकुंठवां की बड़ी महिमा है। भगवान अयोध्या भी छोड़कर के नई साधना में यज्ञ करने के लिए गए हैं। महाराज लक्ष्मण भरत जी को सारी व्यवस्था सौंपी गई, अयोध्या से घी तेल मसाले अन्न सब कुछ सारी व्यवस्था, महाराज भोजन व्यवस्था शयन व्यवस्था सारी व्यवस्था, साक्षात राजमहल से सारी व्यवस्था नई साधना के लिए निकल पड़ी। और ये महान यज्ञ प्रारंभ होता है और देश के कंदराओं के कोने कोने में रहने वाले ऋषि महर्षियों के पास सारा निमंत्रण पहुंचा है। तो निमंत्रण के क्रम में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी निमंत्रण पहुंचा है। इस महान यज्ञ में सबको आना है, आपको भी आना है। महर्षि वाल्मीकि जी ने विचार किया, ये सुंदर समय है, मैं ले जाकर के अपने लवकुश को रानी का परिचय कराऊं या रानी को सौंपूं। माँ जानकी भी साथ में चलना चाहती कि स्वामी ने हे गुरुदेव मैं भी चलना चाहती, अर्थात मैं अब तक इन लवकुश की रक्षा करके पालन पोषण करके मैंने बड़ा किया, मैं चाह करके भी अपना जीवन को परित्याग न कर सकती थी, क्योंकि मेरे राम जी के स्वर के लवकुश को तैयार करना मेरा धर्म था। अब ये बड़े हो गए, अब योग्य हो गए, अब इन्हें राम जी को सौंपू, फिर मैं राम जी से अब विदा ले लू, मैं राम जी से अलग होकर के नहीं रह पाऊंगी, उस दिव्य तत्व के रूप में जाकर मैं लीन हो जाऊंगी, मुझे साथ में ले चलो। माँ जानकी जी साथ में है, लवकुश दोनों भाई साथ में है। नई सारण के धरती पर यज्ञ प्रारंभ होता है, सायंकाल बड़े बड़े संत ऋषि कथा करते हैं। उसी बीच में महर्षि वाल्मीकि जी ने संदेश भेजा राम जी के पास कि महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ आ रहे हैं, उनका स्वागत हुआ, उनके लिए स्नान मिला। ये संदेश भेजा गया कि महर्षि वाल्मीकि भरी सभा में यज्ञ के बीच में कुछ कहना चाहते हैं, राम जी आज्ञा दे दें। राम जी से आज्ञा मिली है, कल के दिन में महर्षि प्रचेता वाल्मीकि महर्षि वो कुछ कहना चाहते हैं, भरी सभा को संबोधन करना चाहते हैं। सबको पता लगा महर्षि वाल्मीकि जी के साथ दो शिष्य आए हैं और एक नारी भी है उनके साथ में। भरी सभा में महर्षि वाल्मीकि आए, बड़े बड़े राजा महाराजा ज्ञानी ध्यानी भक्त अयोध्या वासी जनकपुर वासी चित्रकूट वासी महाराज देश के कोने कोने के लाखों लाख संख्या में जहाँ भक्त हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उसी सभा में महर्षि वाल्मीकि आकर के मंच पर खड़े हो जाते हैं और अपने कासाय वस्त्र में गेरुए वस्त्र में तपस्विनी वेश में माँ जानकी जी अपने घूंघट में धीरे धीरे आती है। पीछे से दो शिष्य महर्षि वाल्मीकि के साथ भरी सभा में राम जी से आज्ञा ली, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आज्ञा मेरी। सभा के बीच में आज महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं प्रचेता के पुत्र दसवां प्रचेता हूँ और मैंने इस जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, मैंने तपस्या करी, मैंने धर्म का पालन किया। यदि अगर मैंने झूठ बोला हो और मैं यदि झूठ बोलूंगा तो मेरे जीवन भर की गई तपस्या का फल मुझे न मिले। तो हे रघुनंदन, ये जो मेरे साथ में भगवती सीता माँ का हाथ पकड़ करके सभा में खड़ा किया है, जिस जानकी को जिस सीता को तुमने दूषित मान करके जो सर्वथा पवित्र है, जो उनका जिनका धर्म सुरक्षित है सर्वथा पवित्र है, ऐसे निर्दोष धर्म पत्नी का गर्भावस्था में जो तुमने परित्याग किया है, हे राम, ये कदाचित ये दोषी नहीं है, निर्दोष है। अगर इनके तन मन वचन से भी अगर कहीं भी इनमें पाप हो, इनके किसी भी प्रकार के मन में कोई दोष हो,
तो हे भगवान मुझे आज तक किए गए किसी भी प्रकार की तपस्या का फल न मिले। और हे रघुनंदन ये साथ में जो दोनों बालक है तुम्हारे दोनों पुत्र तुम्हारे पुत्र हैं, मेरे आश्रम में मैंने संरक्षण दिया है और ये दोनों पुत्र तुम्हारे हैं। और जिस निर्दोष पत्नी का जो तुमने परित्याग किया है लोक भय से प्रजा के भय से मर्यादा के भय से, ये सर्वथा पवित्र है ये निर्दोष है, ये परित्याग करने योग्य नहीं है जिनका तुमने परित्याग किया है राम। और ये सभा में कुछ कहना चाहती इनको आज्ञा दी जाए जिस यज्ञ में महारानी कौशल्या महारानी कैकेयी महारानी सुमित्रा विराजमान है अयोध्या वासी विराजमान है जिन्होंने बाल्य काल में राम जी का दर्शन किया है लवकुश को देख करके साक्षात राम जी का स्वरूप याद कर रही है, अगर ये जटाजुट न होते तो मेरा राम जैसा ही तो ये है। पर सभा में जब जैसी महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा हे रघुनंदन ये पुत्र दोनों तुम्हारे पुत्र है और तुमने जो निर्दोष पत्नी का परित्याग किया है कुछ कहना चाहती है। भरी सभा में माँ जानकी जी ने सबको प्रणाम किया और कहने लगी जिस समाज के भय से जिस लोक भय से मेरा जो परित्याग किया मेरे राम जी ने मैं अब इस संसार में रहना नहीं चाहती, मैं तो अपने राम जी के चरणों में समाहित होना चाहती। हे धरती माता हे माधवी हे वसुदेव यदि मुझ में किसी प्रकार का पाप विद्यमान नहीं है, यदि मैंने तन मन वचन से भगवत चिंतन के अलावा किसी को मन में सोचा तक नहीं और मेरा पातिव्रत्य धर्म सुरक्षित है, हे माधवी हे वसुदेव मुझे स्थान दे दे मुझे मार्ग दे दे। कहकर माँ जानकी ने जैसे ही प्रार्थना की भरी सभा के बीच में धरती फट गई, शेष नाग बड़े सिंहासन लेकर के महाराज प्रकट हो गए और साक्षात भूदेवी ने बेटी ये दुनिया तेरे लायक नहीं तुम मेरे गोद में आ जाओ, भूदेवी ने गोद में स्वीकार किया। राम जी महाराज देखते रह गए आंखों में आंसू दोनों बालक छटपटाने लगे माँ मेरा कोई नहीं हमारा हमें छोड़कर के कहाँ जा रही हो, लक्ष्मण मूर्छित पड़े दोनों लाल मूर्छित पड़े। देखते देखते महाराज भगवती जानकी माँ उस भूदेवी के गोद में बैठे वो शेष सिंहासन नीचे चला गया धरती बंद हो गई। राम जी क्रुद्ध हो जाते हैं मेरी सीता को कौन लेके गया मैं जाने नहीं दूंगा, पर हाहाकार मच गया आज सीता धरती में प्रवेश करती जो धरती से प्रकट हुई थी और सूक्ष्म रूप में जाकर भगवान मिल जाते हैं, यानी भगवान से अलग हो करके हम अधिक दिन नहीं रह पाएंगे, जीवात्मा भगवान से अलग हो करके पृथक हो करके अधिक दिन नहीं रह पाएगा, जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होगा तब तक महाराज वो कभी वो सुखी नहीं होगा। यह दिखाने के लिए भगवती माँ लक्ष्मी सीता माँ का यह अंतिम वियोग जो नैमिषारण्य की धरती पर धरती में प्रवेश करके जो भगवान को प्राप्त करते हैं इसको कहते हैं अनन्यारह प्रकाशनार्थम, अनन्यारहत्व को दिखाने के लिए, यानी जीवात्मा भगवान को प्राप्त करके ही सुखी होता है भगवत वियोग में सुखी नहीं होता, ये दिखाने के लिए माँ जानकी जी का यह तीसरा वियोग, यानी माँ जानकी जी ने जीवन में कितना कष्ट उठाया धर्म पालन में अपने कृपा प्रकाशन के लिए अपने पारतंत्र को दिखाने के लिए, और अनन्यारह जो अनन्यारह तो भगवती महालक्ष्मी में है आकार त्रय जिनको कहते हैं अनन्यारह से सिद्धो अनन्यारह भोग्यत्व अनन्यारह तो हम भगवान के लिए हैं, भगवान से अलग रह करके हम सुखी नहीं रह सकते, तो भगवत वियोग में प्राण देने से अच्छा भगवान के चरणों में प्राप्त हो जाऊं, इस लाभ से भगवान से अंतर्मुख होकर के मिल गई है भगवती सीता माँ। इस तरह महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं श्री रामायण में रामचरित्र नहीं है, रामचरित्र तो है पर भगवती सीता माँ का चरित्र है तो उनका त्याग उनका धर्म पालन उनकी कठोर पातिव्रत्य धर्म महाराज इसमें वर्णन इसलिए कहते हैं काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया सरितम महत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों नवकुश माँ के वियोग में रुदन करने लगे। माँ जानकी जी ने कहा कि इन दोनों पुत्र को सौंपने के लिए आपके सामने तक लाने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी और ये दोनों योग्य पुत्र को स्वीकार करें। माँ जानकी जी कह करके चली तो गई पर महर्षि वाल्मीकि जी दोनों पुत्र को राम जी के गोद में देना चाहते, राम जी के पास दोनों जाना नहीं चाहते। गुरुदेव के दोनों हाथों को दोनों शिष्य ने पकड़ रखा है। गुरुदेव जब ये हमारी आज पता चला कि राम जी हमारे पिता हैं और भगवान राम जी की धर्म पत्नी हमारी माँ जानकी जी हैं, ऐसे निर्दोष पतिव्रता धर्मपरायणा ऐसी पत्नी का जो परित्याग कर सकते हैं, क्या ये हमारा परित्याग नहीं करेंगे? अगर हमसे भी कोई गलती हो जाएगी तो हमारा भी परित्याग कर देंगे। गुरुदेव हमें मत छोड़ो, हम आपके पास रहेंगे। दोनों गुरु के हाथ पकड़ करके दोनों बाल रो रहे हैं। गुरुदेव ने भगवान के गोद में रख दिया, नहीं अब ये तुम्हारा परित्याग नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। ये वैष्णवता है सज्जनों। गुरु अपने शिष्य को ले जाकर भगवान के हाथ में देता है। जो लवकुश योग्य हैं, सुंदर हैं, वेद और शास्त्र धर्म शास्त्र से लेकर राम कथा करते हैं, ऐसे दोनों शिष्य को, दोनों सीता पुत्र को आज महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को सौंपा। राम जी दोनों को हृदय में लगाकर कहते हैं कि हे मेरे लाल, हम तुम्हारा परित्याग नहीं करेंगे, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। वैसे ही आचार्य जी को पकड़ करके भगवान के चरणों में, भगवान के गोद में डाल देते हैं। ये परंपरा, ये श्रीमद रामायण का रहस्य है। इस तरह ये तीन विश्लेष के सीता महारानी के चरित्र को यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन करते हुए लवकुश दोनों भाइयों को पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद दोनों भाई उस आश्रम में कथा प्रारंभ करते हैं, श्री रामायण का महाराज जो गुरुदेव ने पढ़ाया। जैसे ही आश्रम में कथा होने लगी, कथा प्रारंभ हुई, वीणा के उस झंकार के साथ जब श्रीमद रामायण का गान करने लगे, आश्रम वासी स्वागत करते हैं, साधु साधु करते हैं, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर बड़ा मधुर राम जी का चरित्र जब वर्णन करते हैं तो लगता है ये साक्षात घटना नजर के सामने हो रही है और हम अंतर्मन से उन चरित्र को आंख के सामने देख रहे हैं, ऐसा अद्भुत भाव व्यक्त करते हैं दोनों लाल। और बड़ी सभा में यही आवाज आती है, साधु 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 परम विस्मय मागत अहो गीतस्य माधुर्यम् श्लोकानां विशेषतः। ऐसे रामायण के मधुर श्लोक का गान करते तो श्लोक माधुर्य, कथा का माधुर्य, बहुत काल पहले घटना घटने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी अभी प्रत्यक्ष घटना घट रही है। ऐसे दोनों भाई लवकुश महाराज कथा प्रारंभ करते हैं आश्रम में और प्रतिदिन कथा होती है। कथा का विश्राम हुआ, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में उपस्थित हैं। अंत में सारे ऋषि महर्षि इतने प्रसन्न हो गए तो कथा श्रवण करने के बाद महाराज जो भेंट करते हैं, जो दान करते हैं, तो इन ऋषि महर्षि के पास कुछ नहीं है, जंगल में रहते हैं, बलकर धारण करते हैं, झरने का पानी नदी का पानी पीते हैं, कन्दमूल फल मिल जाए तो खाए, नहीं मिले तो पानी पीकर रह गए, पर इनके पास कुछ है नहीं, पर मन है कि समर्पण करना है, देना है। जिन्होंने भगवान को ऐसे मधुर चरित्र सुनाया उन्हें कुछ अर्पण करना है। प्रीता कश्चिन मुनिस्ताभ्याम संस्थित कलशम ददौ, अत्यंत प्रेम ने दोनों को देख कर ऐसा प्रेम हुआ, प्रीति हुई और प्रेम में कुछ समर्पण की भावना होती, तो जिन ऋषि के हाथ में महाराज कलश रखे थे जल के लिए, उस कलश को ही ले जाकर अर्पण कर दिया। किसी ने महाराज कमंडल रखा था, वो कमंडल ही प्रदान कर दिया। किसी ने बलकर अपने कंधे में रखा था बदलने के लिए, उस बलकर वस्त्र को ही अर्पण कर दिया। प्रसन्न बलकल अंकस्थित ददौताभ्याम महायसा अन्य कृष्णादि नमदात
यज्ञ सूत्रम तथा परा। किसी ने महाराज मृग चर्म प्रदान किया जो आसन के लिए रखे थे। हे भगवतो से राम कथा गायक, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आसन है, आप इस आसन को स्वीकार करो। किसी के पास एक जनेऊ रखा था, उन्होंने एक के सूत्र जनेऊ प्रदान किया। किसी ने मौती मेखला प्रदान किया और किसी ने महाराज एक ये बलकल के एक गौपिन हमने अलग से रखा है, चलो ये कौपिनी तुम्हें अर्पण करते हैं। महाराज नृसिंह सदा प्रादात कौपिनम अपरो मुनि। किसी ने कासाय वस्त्र, किसी ने बल कर, किसी ने कुटार, किसने महाराज हवन के लिए श्रुवा श्रुचि प्रोक्षणी प्रणिपाद रखे थे वही अर्पण कर दिया। और किसी ने औदुम्बरी, महाराज कुछ नहीं था तो कल के लिए एक दातुन तोड़ के रखे थे, वो दातुन ही अर्पण कर दिए। किसी ने जटा बांधने के लिए केले के धागे बना कर रखे थे वही अर्पण कर दिए। यानी है तो कुछ नहीं पर प्रेम है कि अर्पण करना है। इन ऋषियों ने ऐसा भेंट किया। अब कुछ ऋषि आंखों में आंसू लेकर, हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, हे राम कथाकारों हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम युगांतर तक भगवान श्री राम के चरित्र का गायन करो, भगवत चरित्र का गान करो। कुछ ऋषियों ने आशीर्वाद प्रदान किया। आयुष्यम अपरे प्रावर मुदा तत्र महर्षयः और तदुश्चैवं परां सर्वे। किसने वरदान दिया और ये ऋषि कैसे ही आशीर्वाद देने वाले, कहते मुनयः सत्यवादिनः, इनकी हर वाणी सत्य होती है, इनके वाणी में सत्यता है, इनका समस्त आशीर्वाद और वरदान मिलता है। इसे ऋषियों ने लवकुश को महाराज ऐसा सब कुछ भेंट किया, लोगों ने देखा आश्चर्यचकित हो गए। और ये ऐसे ही भगवान की कथा दोनों लाल जैसा गायन करते हैं और ये चर्चा चारों ओर होने लगी। महर्षि वाल्मीकि जी के दो शिष्य हैं, लवकुश हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े राम कथा बड़े सुंदर गायन करते हैं, ये चर्चा होने लगी। और महर्षि वाल्मीकि जी ने भी महाराज इन दोनों को कहा कि तुम राम कथा का गायन करके लोक में प्रचार करो, राम चरित्र का प्रचार कोने कोने देश के, विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाए, ऐसी कामना, ऐसी कल्पना, ऐसा संकल्प महर्षि वाल्मीकि जी का है। और आज वह राम चरित्र लाखों लाख वर्षों के बाद भी हमारा विश्व के कोने कोने में राम चरित्र, हमारे राम जी का चरित्र ऐसे परम कवि नाम आधारम सर्वस्तुति मनोहरम रत्यासुराज मार्गेषु तदर्श भरताग्रजः, ऐसे राम कथा होने लगी है। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम। मत लेना क्योंकि हम तो जंगल में रहने वाले हैं, जंगल का पानी पीते हैं और महाराज कंद मूल ग्रहण करते हैं, इसलिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तो बताना कि हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और कुछ हमें जरूरत नहीं, कोई देना चाहे तो हम सन्यासी हैं, हम जंगल में रहने वालों को क्या चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। निर्लोभ भावना से भगवत चरित्र का गान करना और बेटा मधुर स्वर में
और सुंदर स्वर में भगवान की कथा गायन करना और कभी भी खट्टे फल को न खाना। स्वर महाराज स्वर भंग हो जाएगा और अपने स्वास्थ्य और गले को सुंदर बना करके भगवान पद्म चरित्र का गायन करना। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों लवकुश को उपदेश दिया। महाराज निर्लोभता से भगवत चरित्र से भगवान प्रसन्न उद्देश्य रखना, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत चरित्र गायन करते तो भगवान को प्रसन्नता होती है। जहाँ भगवान का चरित्र भगवान के गुण गाए जाते हैं तो महाराज भगवान इतनी प्रसन्न होते हैं। पराशर भट्टाचार्य स्वामी ने जैसे ही भगवान के गुणों का भगवती महालक्ष्मी के गुणों का वर्णन सुनाना प्रारंभ कर दिया तो रंगनाथ भगवान के वस्त्र पुजारी जी जो वस्त्र पहनाते थे दूसरे दिन दिखाई पड़ता था वस्त्र इधर भी फट रहे हैं इधर भी फट रहे हैं। दूसरे दिन दूसरा वस्त्र पहनाते वो भी वस्त्र फट जाते थे। क्योंकि जब पराशर भट्टाचार्य स्वामी भगवती महारानी सीता महारानी के गुणों को भगवती महालक्ष्मी के गुणों को वर्णन करके सुनाते अपने पाठ के माध्यम से तो भगवान रंगनाथ सुन करके उनका हृदय और शरीर इतना फूल जाता था, हृदय गदगद हो जाता था और शरीर फूल जाता था तो उनके वस्त्र फट जाते थे। स्फुटत भुजयो पंचक शतम माने सैकड़ों भगवान के वस्त्र महाराज वो छोटे पड़ जाते थे। भगवान का हृदय विशाल हो जाता है जब भगवान के गुण भगवती महालक्ष्मी के गुणों को श्रवण करते हैं तो भगवान भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत चरित्र का दान करना। सज्जनों भगवान के सामने भक्त का चरित्र भगवान का चरित्र भगवान के गुणों का चरित्र हम पाठ नित्य क्यों करते हैं? भगवान के सामने बैठकर के पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और पाठ में स्तुति में उनके गुणों का वर्णन है और जब उनके गुणों का वर्णन भगवान स्वयं सुनते हैं तो भगवान के गुणों के द्वारा भगवान सुन करके किसी अपराधी की है तो उसको दंड देने का नहीं उस पर कृपा करने का मन भगवान का स्वयं बनता है। जब हम भगवान की स्तुतियों के द्वारा उनके गुणों का वर्णन करके भगवान को सुनाते हैं तो इसलिए बलम विष्णु प्रवत बताम महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं इस रामायण की कथा सुनाने से भगवान का बल बढ़ता है, भगवान की शक्ति बढ़ती है, भगवान के कृपा गुण बढ़ते हैं और जीव पर भगवान की उतनी कृपा होती है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे लाल भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और ये कथा भगवान सुन रहे हैं ऐसा मान करके भगवत कथा श्रवण करवाना यानी व्यासपीठ की महिमा है। सज्जनों व्यासपीठ में बैठकर के कभी भी शास्त्र अनुचित अनर्गल बात को नहीं करना चाहिए, शास्त्र मर्यादित बातों को करनी चाहिए। ये ऐसा पीठ है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने लवकुश को बिठा करके कहा बेटा भगवान भगवान की प्रसन्नता के लिए साक्षात ये कथा भगवान सुन रहे हैं इस भावना से इस कथा को सुनाना इस कथा को करना है। तो दोनों लाल को समझाया जाओ कहीं भी जाओ किसी उद्यान में बैठ करके सुनाना, कहीं महाराज नदी के तट पर बैठ के सुनाना, जहां भक्त उपस्थित होते हो जहां प्रेमी श्रोता होते हो वहां जाकर के कथा को सुनाना। महाराज रक्षासु राजमार्गेषु महाराज कहीं भी भक्त इकट्ठा हो जाकर भगवत चरित्र का गान करना ताकि उन्हें भगवत स्वरूप और जीवात्मा का स्वरूप का ज्ञान हो। कथा के द्वारा ही हम अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करते हैं। इस तरह रथ्यासु राज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज स्वभिस्मतानि यततो भ्रातरौ चकुशीलौ ऐसे कथा करते करते गांव में नगर में जा जाकर कथा करने लगे। चारों बात आई गई। एक दिन क्या हुआ भरत राज जी के साथ भगवान राम जी कहीं अपने नगर से दूर विचरण करने निकले हुए थे, कहीं बाहर निकले हुए थे तो एक जगह कथा चल रही थी महाराज बड़ी भीड़ बैठी है और दो सुंदर लाल बैठकर के राम कथा को बड़े प्रेम से गायन कर रहे हैं। आज स्वयं राम ने लवकुश को देखा दोनों कथा कर रहे हैं बड़े सुंदर हैं बड़े प्यार से प्रेम से कथा कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही देखा तो भरत जी से कहा कि भरत कथा हो जाए तो इन दोनों बालक से जाकर के इन कथाकार से जाकर मिलना और इनको हम अपने राजमहल में बुलाएंगे,
इनको अयोध्या के राज दरबार में बुलाना और अयोध्या के राज दरबार में ये कथा होगी। अब भरत जी को आदेश दिया, भरत जी महाराज जाकर के दोनों लवकुश भाई से मिले, दोनों कथाकार से निवेदन किया कि महाराज राजा धीराज राम जी ने आपको स्मरण किया है, आप चलकर के अयोध्या में इस कथा को करें। गुरुदेव का आदेश है, कथा तो कहीं भी सुनाना है, जहाँ श्रोता हो जहाँ प्रेमी हो। और जैसे ही महाराज भरत जी को आदेश मिला, भरत जी दोनों लाल को लेकर के अयोध्या के दरबार में प्रवेश करते हैं। सुबे स्मचानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलौ पूजयामास पूजारौ राम शत्रु निवारण। दोनों लाल लवकुश को ला करके राज दरबार अयोध्या के महल में आज भगवान श्री राम जी ने उन लवकुश की पूजा करी। यद्यपि राम जी अंतर्यामी होंगे अपनी जगह, पर राम जी के लिए केवल दो कथाकार हैं, राम कथाकार हैं, ये कथा व्यास हैं। आज राम जी इन कथाकार लवकुश की पूजा कर रहे हैं, कहते हैं पूजया मास पूजा रहो, जो पूजा के योग्य हैं आज इस कथाकार लवकुश की पूजा करते हैं। महारानी सब से निकल करके माताएं आई, आकर के देखा ईरान कथाकार ये दोनों सुंदर बालक, कहती कि बहन मुझे तो लगता है कि इन्हें देखकर मेरे अपने राम की बाल्यावस्था की याद आ रही है। अगर ये जटाजुट न बंधे होते इनके सिर में और ये बलबल और ये गरुड़ वस्त्र न होता तो मेरा राम जैसा लग रहे हैं, ये मेरा राम भी छोटे में ऐसा ही लगता था। आपस में बात करते हैं तीनों महारानी, सुंदर सिंहासन बनाया, अयोध्या में चारों ओर खबर हो गई, लवकुश महाराज ये दोनों सुंदर कथाकार ये राम कथा करेंगे। और ये कौन है, इनका परिचय केवल इतना है कि हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, उन्हें माता पिता का कोई परिचय हो तो देना ही नहीं, गुरु जी की आज्ञा है। और इस तरह कथा प्रारंभ होती है। दृष्ट्वातु रूप संपन्नौ विनीतौ भ्रातरौ उभौ श्रूयतामेतदाख्यानम् अनयोर्देव वर्चसो। और ऐसे सुंदर आख्यान को सुनने के लिए निमंत्रण हुआ है और श्री लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न भरत सबको महाराज भगवान श्री राम जी ने कहा जाकर सबको निमंत्रण देना और राम कथा को बैठकर के सबको श्रवण करना। वाच लक्ष्मण राम शत्रुघ्न भरतं तथा। आज अयोध्या के सभा में राम कथा प्रारंभ हुई। बड़े बड़े महाराज वहां के मंत्रीगण, बड़े बड़े ऋषिगण, राम जी महाराज के यहाँ बड़े बड़े ऋषि महाराज क्षत्रिय मंत्री हैं और ब्राह्मण ऋषि मंत्री हैं और प्रजा हैं, भगवान के प्रेमी हैं, सब एकत्रित हुए। कथा प्रारंभ हुई, कथा करते करते महाराज सब भाव में ऐसे मुग्ध हो गए, आंखों में प्रेमास्त्र के साथ राम कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम जी राजा हैं, महर्षि वाल्मीकि ने यह भी समझाया है कि उन्हें वो साक्षात राजा हैं और राजा पिता के समान होते हैं, इसलिए उनको महाराज सम्मान पूर्वक कथा सुनाना यह भी बताया है। लेकिन यह परिचय नहीं कि राम जी हमारे पिता हैं, कुछ भी पता नहीं, तो केवल वाल्मीकि के शिष्य इतना जानते हैं। महाराज जब कथा होने लगी बड़ा आनंद आया सबको, पर राम जी को उतना आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि राम जी राजा है और राजा राजगद्दी को छोड़ करके अन्यत्र बैठ नहीं सकता। राजदरबार में राजा कहीं भी बैठेगा तो राज सिंहासन में बैठेगा और दोनों कथाकार का मंच भी सिंहासन के बराबर लगा हुआ है। बगल में जैसे महाराज राम जी का सिंहासन है, बगल में कथाकार कथा कर रहे हैं और राम जी का मुखारविंद भी प्रजा की ओर है और कथाकार के मुखारविंद के भाव का दर्शन नहीं हो पा रहा है। कथा का आनंद तो सम्मुख हो तब महाराज का आनंद होगा। जैसे कथा को क्या कहते हैं, पीना कहते हैं। अच्छा, पीने के लिए अब तो महाराज ये पशु वाला संस्कार आया, जैसे पशु सिर झुका कर मुंह नीचे करके पीता है, लेकिन मनुष्य जब भी पीता है तो मुंह ऊपर करके और पीना जो जो पिया जाता है ऊपर होता है और पीने वाला मुंह नीचे होता है, ये मनुष्य का है। लेकिन पशु क्या करता है और नीचे झुका करके पीता है सिर से, वो हमारी परंपरा में नहीं है। तो हमारा पीना तो मुंह के ऊपर जो पेय पदार्थ होता है, इसलिए जो हम कथा पीते हैं तो
पिलाने वाला जो वस्तु ऊपर रहता है और जो पीने वाला नीचे रहता है तभी वो पिया जा सकता है। तो भगवान राम जी तो बराबर में है, तो कथा पान करने का पीने का आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि बराबर में बैठे हैं। जब नीचे बैठेंगे तो जैसे जिस पात्र से जो रखा जाए दूसरे पात्र में, जिसमें है वो ऊपर होगा, जो खाली है नीचे हुआ तभी तो गिरेगा उसमें, जो जिस पात्र में नीचे और ऊपर कैसे जाएगा, तो उसको तो करना पड़ेगा। तो राम जी, भगवान श्री राम जी आ जाओ उधर बाबू बैठो, भगवान श्री राम जी अपने जो सिंहासन में विराजमान थे वहां से धीरे से उतरने लगे। कैसे उतर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, ततस्तु तौ राम वच प्रचोदिता वगायता मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद गत सनै बुभूषया सक्त मना बभुव कथा के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए भगवान राम जी, मन में विचार करते हैं और मैं सिंहासन छोड़ दूं तो मेरे जितने सेवक हैं प्रजा करने, अरे प्रभु आप कहां सिंहासन से अंदर पर बैठोगे। जब कथा करते करते कथा में भाव में सारी श्रोता डूब गई, कथा में ध्यान है, चित्त है, कोई राम जी को देख भी नहीं रहा है, कथा बातचीत की ओर देख रहे हैं और महाराज भाव में कथा श्रवण कर रहे हैं, तो राम जी कैसे सिंहासन से उतर रहे हैं। कहते हैं कि परिषद गता सनई सचापि राम परिषद गता सनई, माने सनई सनई धीरे 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 वो सिंहासन को ऐसा छोड़ रहे हैं, उतर करके नीचे ऐसे नहीं बैठे। जैसे सूर्य अस्ताचल में जाते हैं तो जब सूर्य जाने लगते हैं तो ये पता नहीं लगता कि सूर्य नीचे जा रहे हैं, बस जाते तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह भगवान राम जी भी धीरे 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 सिंहासन को छोड़ करके देखने वालों को ये न लगे कि उतर रहे हैं और धीरे धीरे उतर करके नीचे आकर बैठ गए। भगवान स्वयं कथा श्रवण करने के लिए राम जी स्वयं इसके श्रोता है और ऊपर बैठ के नहीं भाव में। इस तरह मेरे राम जी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। ततस्तु तौ राम वच प्रचोदिता वगायता मार्ग विधान सचापि राम परिषद गत सनै बुभूषया सक्त मना बभुव। भगवान श्री राम इस तरह कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा की कथाकार स्वयं लवकुश हैं और श्रोता स्वयं राम जी हैं। ऐसी रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना करी लवकुश के द्वारा प्रारंभ होता है। श्री राम जय राम जय जय राम राम जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण इनको स्वर्ण असरफिया महाराज इनको लाकर दक्षिणा दी जाए, भरी पुटली महाराज हजारों की संख्या में स्वर्ण मुद्राएं लाकर के दक्षिणा। राम जी ने कहा तो दो पुटली बना करके बड़ी बड़ी दो ला करके सामने करके, दो भाई हैं छोटे छोटे दोनों हैं, एक को देंगे तो दूसरे को हो सकता अच्छा न लगे, दोनों को लाकर सामने रखा के भेंट किया। लवकुश महाराज ने कहा कि ये किस लिए है, अरे हम जंगल में रहने वाले
हम सन्यासी आश्रम में रहने वाले और हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो भगवान की कथा गाते हैं और नदियों का जल पान करते हैं, कंदमूल खाते हैं, ये हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, हम भेंट को भी स्वीकार नहीं किया। भगवान की दिव्य कथा महाराज लवकुश ने सुनाई और राम जी स्वयं श्रोता बने हैं और ऐसे लवकुश महाराज जी प्रारंभ करते हैं साक्षात अवध नगरी की महिमा से लेकर के लवकुश महाराज ने जो है श्री राम कथा को प्रारंभ किया है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीद्लोकविश्रुता मनुनामानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज साक्षात इस सृष्टि में जो अयोध्या नाम की नगरी है, अयोध्या माने अयोध्या, वैकुंठ का नाम है, वैकुंठ का एक नाम अयोध्या है, अपराजिता है, तो अयोध्या साक्षात भू वैकुंठ है, वैकुंठ ही साक्षात है अयोध्या, जिसको कभी भी कोई जीत न सके। युद्धम असत्या अयोध्या, कोई भी किसी भी प्रकार के युद्ध करके जीत न सके वो अयोध्या है महाराज। जिन लोगों ने मान लिया था कि चलो हमने जीत लिया, वो भी आज महाराज मोदी जी ने दिखा दिया कि अयोध्या जी को कोई जीत नहीं सकता है, वहां हमारे भगवान की जो है वो ध्वजा आज भी उसी प्रकार महाराज विद्यमान है। तो अयोध्या मतलब जिसको कोई कभी युद्ध करके जीत न सके वो अयोध्या है, साक्षात वैकुंठ है। अयोध्या नाम अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता मनुनामानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जब मनुजि महाराज जगत की सृष्टि करने लगे, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मनुजि महाराज प्रथम पुत्र के रूप में जैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके दाम्पत्य जीवन में अगर संतान पैदा किया किसी ने, तो मनुजि महाराज ने संतान पैदा किया और अपने परिवार को लेकर के ब्रह्मा जी के आदेश से अयोध्या को ही मनुजि महाराज ने राजधानी बनाई, माने विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या है। जब मनु प्रकट हुए तो उनकी राजधानी अयोध्या। जय महाराज मनु नामानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और वो अयोध्या कैसी है, देखिए आयता दशत द्वेत योजनानि महापुरी, 12 योजन चौड़ा तो महाराज अयोध्या नगर है। और कहते हैं श्रीमती त्रिवेणी विस्तीर्णा और 12 36 योजन, एक योजन में 4 कोस 4 कोस में 12 किलोमीटर और इस हिसाब से उतनी बड़ी जो अयोध्या नगरी है उसका वर्णन करते हैं। और कहते हैं महाराज सुंदर मानसरोवर से प्रकट करके जो आई है सरयू नदी से शोभित है, ऐसे सरयू से युक्त साक्षात अयोध्या नगरी है महाराज अयोध्या नाम नगरी। और वहां वर्णन करते हैं गृहगाढ़ अविच्छिद्राम समभूमौ निवेशिताम सारितंडुल संपूर्णाम इक्षुकाण्डर शोधकम्। और वहां का सुंदर जल और अन्न का वर्णन करते हैं, स्थान सुंदर कौन होता है, जहाँ का जल सुंदर हो मीठा हो और जहाँ का अन्न महाराज सुंदर हो, जहाँ सुंदर अन्न होते हो और जहाँ मीठा जल होता वही स्थान अच्छा है। जहाँ भुखमरी लग जाए लोग वहां क्यों रहते हैं, इसलिए तो छोड़ छोड़ के बन जाते हैं। तो अयोध्या के वर्णन करते हैं साक्षात सरयू नदी महाराज उत्तर दिशा में प्रवाहित है महाराज। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, भगवान कहते मेरी पुरी भगवान की अपनी है। उत्तर दिशी सरयू पावनी, उत्तर दिशी सरयू जाम जलते बिनई प्रयासा, जाम जलते बिनई प्रयासा, मम समीप नर पावनी वासा, मम समीप नर पावनी वासा। उस
शरीर की महिमा वर्णन करते हैं, जो सरा मान सरोवर के उस सर से निकल करके जो प्रवाहित होकर के आई, ये साक्षात वासिष्ठी है, वशिष्ठ जी महाराज की तपस्या से आई है, भगवान के नेत्र से महाराज प्रकट हुए नेत्र जा है, और इसका फल कहते हैं जा मज्जन के बिना ही प्रयास, जिस सरयू जी में स्नान करने से बिना प्रयास के ही भगवान का सामिप्य मोक्ष मिल जाता है। मम समीप नर पावनी वासा, तो सरयू स्नान करके जो भगवान का दर्शन करता है उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, सामिप्य मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब तजे तन नहीं संसारा, अयोध्या में शरीर छोड़ने के बाद जीव को दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता है, ऐसी अयोध्या इसलिए मोक्षदायिनी पुरियों में अग्रगण्य है। अयोध्या पुरी मस्तक सभी तीर्थों का वर्णन किया तुम्हारा ऋषियों ने, अयोध्या को मस्तक रखा है, इसलिए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, मोक्षदायिनी पुरी है। तो यहाँ जाकर के महाराज अधिक न हो तो कम से कम 3 दिन इन समस्त पुरियों में, जो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, भगवान कहते कहीं तीर्थ में जाओ तो 3 दिन निवास करो। 3 दिन वास कर, 3 दिन माने बहुवचन होता है, 3 माने 3 के ऊपर बहु संख्यक हो जाता है, यानी 3 दिन रहने से वो तीर्थ में वास करने का और तीर्थवासी की संज्ञा हो जाती, भगवान मान लेते हैं कि इसका तीर्थवास हो गया 3 रात्रि विश्राम करने से। जैसे जैसे हमारे घर में आकर कुछ दिन कोई लोग रुक जाए, चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो, दोनों याद आएंगे, अच्छे लोग भी होंगे तो उनकी भी याद आएगी, और बेकार ऐसे भी हो माने जिसको नहीं चाहते वो भी रुके वो भी याद आएंगे, अरे वो आकर के हमारे घर में इतना दिन रुका था, तो उसकी स्मृति में बनी रहती है। तो हम जाकर भगवान के तीर्थों में जब 3 दिन रह जाते हैं तो भगवान के स्मृति पटल में हम भी आ जाते हैं, भगवान कहते हैं अरे ये तो वो है जो मेरे तीर्थ में मेरे घर में आकर के रुका था, ये तो भगवान का घर है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची। तो भगवान के गुण दिव्य धाम में जाकर कम से कम 3 रात निवास करें, ऐसा करने से तो महाराज को भी तीर्थवासी बन जाता और भगवान उस पर कृपा करते हैं, भगवान का संबंध हो जाता है। इसलिए तीर्थ में जाकर तीर्थ के नदी का स्नान, सरयू स्नान और भगवत दर्शन से जीव सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे दिव्य नगरी अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं। तस्या पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह उस लोक कमल के ऊपर ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि, मरीचि के कश्यप के द्वारा सूर्य, और वो भगवान सूर्य से जो आगे वंश कहलाओ सूर्य आया। और इस वंश में महाराज इच्छाकु कई पीढ़ियों के बाद आए, पर इच्छाकु महाराज का नाम बार बार आता है। इच्छाकु नामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मना, परम पराक्रमी परम धर्मात्मा इच्छाकु महाराज जिनकी उपासना से प्रसन्न होकर स्वयं रंगनाथ भगवान महाराज चले आए अयोध्या जी में, ब्रह्मा जी ने प्रदान किया है, ऐसे इच्छाकु वंश में महाराज बड़े बड़े राजा हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, अज हुए, और उसी वंश में साक्षात दीर्घदर्शी दशरथ जी महाराज हुए हैं। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरा जानपद प्रिय। ऐसे दशरथ जी महाराज जो वेदवित हैं, वेदज्ञ हैं, और जिनके राज्य में हर प्रकार का संग्रह है, ज्ञानियों का संग्रह, मूर्खों का संग्रह, राजा को हर प्रकार का संग्रह करना चाहिए, महाराज गुप्तचरों का संग्रह, स्त्रियों का संग्रह, वेश्याओं का संग्रह, इसलिए सर्व संग्रह करते हैं। सुराणा विदुषाम का संग्रह, सुरवीरों का भी संग्रह है, विद्वानों का संग्रह है, ज्ञानियों का संग्रह है, ऐसे
महाराज दीर्घदर्शी और महातेजस्वी राजा दशरथ जी महाराज हुए और परमात्मा इच्छात्मना पतिरतो यज्ञवा धर्म परोपसी। जो राजा होते हुए भी राजर्षि हैं, महर्षि के समान हैं और धर्म परायण हैं। इनके जीवन में कितना धर्म है, इतना धर्म है, ऐसे धर्म परायण महात्मा साक्षात दशरथ जी महाराज हुए हैं। सर्वे नराश्च धर्मशीला सुसंयता। दशरथ जी महाराज के राज्य में कहते हैं कि चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, बहुत शीलवान है। शील कौन है? एक ही बड़ा होने का अभिमान किसी को नहीं है। शील उसे कहते हैं हम बहुत बड़े हैं, पर बिल्कुल छोटे लोगों से मिलकर के बात करने में उन छोटे लोगों को ऐसा लगे कि इतने बड़े होने के बाद भी इतना सरल है, इतने मधुरभाषी हैं, इतने प्रियभाषी हैं। हम महाराज छोटे लोगों को डांट करके उनको रोक दिखा कर बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये अयोध्या में दशरथ जी महाराज के राज्य में जो बड़े बड़े हैं, ज्ञानी भी है, बलवान भी है, महात्मा भी है, तो कैसे कहते शील वृत्ताभ्याम मुदिता शील वृत्ताभ्याम महर्षय का महाराज से ऋषियों का आलय होता है, ऋषियों का स्वभाव होता है। ऐसे समस्त नर नारी शीलवान है, धर्मशील है, शीलवान है। धर्मशील माने धर्म करने का जिनका स्वभाव बन गया हो, जिनके जीवन में अधर्म कभी न हो, जिनके जीवन माने धर्म करने का जिनका सहज स्वभाव आ गया। सहज स्वभाव, सहज स्वभाव का मतलब जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं, रात में महाराज सो करके उठने के बाद भी कर सकते हैं, तो ऐसा जो अभ्यास होता है जैसे खाने का, पीने का, पहनने का, अगर प्यास लगी तो नींद में उठ करके हम पी लेते हैं पानी लेकर के, उसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना, तो कपड़ा पहनना पहन लेते हैं, वो सहज जैसे अभ्यास हो गया। यानी धर्म करना और महाराज लोगों से ऐसा प्रेम व्यवहार, इनके जीवन में अधर्म तो कहीं है ही नहीं। धर्मशीला सुसंयता और ना कुंडली ना मुकुटी ना सदनी ना तो भगवान। महाराज कोई ऐसा नहीं है कि जो दीनहीन हो। जैसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है, दीनता आती है, तो उसका श्रृंगार उतर जाता है, उनका सौंदर्य उतर जाता है। महाराज उनके कपड़े बताते हैं, उनका चेहरा बताता, उनका आभूषण बताता। जीवन में कष्ट आ जाए, शोक आ जाए, विपत्ति आ जाए, घर में रखा हुआ फिर भी धारण करने का मन नहीं होता है, तो अयोध्या वासी कैसे हैं? क्योंकि इनके जीवन में कभी शोक आता ही नहीं है, किसी प्रकार का दुख दारिद्र ही नहीं है। महाराज सोलह श्रृंगार से संपन्न, महाराज मुकुट कुंडल माला हार वस्त्र आभूषणों से निरंतर सुसज्जित है। जिस घर में आप जाओ उस घर के लोग सब महाराज सुंदर श्रृंगार बढ़िया तिलक वस्त्र धारण आभूषण से संयुक्त हो, तो लगेगा कि महाराज यहाँ क्या वैभव है, कहीं सब कुछ तो है। महाराज किसी का चेहरा झुलसा हुआ है, किसी की बाल भूत की तरह दिख रहे हैं, किसी की कपड़े महाराज मोरे की तरह फैल रहा है, तो घर में जाने के बाद लगेगा क्या दरिद्रता छाई हुई है। मानो घर और व्यक्ति बताता है, इसलिए भगवान को भगवान के लिए सुंदर बन करके, पवित्र बन करके, साफ बन करके रहने पर वहाँ भगवान और लक्ष्मी प्रसन्न होते, इसलिए ऐसे धर्मशील हैं। कहते हैं ना कुंडली ना मुकुटी ना सरनी ना तो भगवान ना मृष्टो ना नरितांगो ना सुगंधस्थ विद्यते। यानी वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है अयोध्या में जो महाराज कुंडल मुकुट धारण न करते हो, सुंदर माला हार न पहनते हो, और कम भगवान यानी थोड़ा बहुत भोग नहीं, इंद्र का ऐश्वर्य देवता का ऐश्वर्य वहां दिखता है, और कोई भी महाराज खराब भोजन तो कोई नहीं करता, सुंदर भोजन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद महाराज दिव्य प्रसाद दिव्य भोग। कहते हैं नामृष्ट भोजी, महाराज ऐसा भोजन कोई नहीं करता, अगर ना दाता और कोई अदाता भी नहीं, महाराज सब सबको देते हैं, समर्पण करते हैं, और ना हस्ता भर्मो वापी, और किसी का हाथ महाराज ऐसा खाली नहीं जिनके हाथ में महाराज अंगूठियां न हो, आभूषण न हो, गले में स्वर्ण आभूषण न हो, ऐसा एक भी नहीं। यानी ये दशरथ जी महाराज का वैभव कितना है, जब प्रजा ऐसे है, जब वहां की सारी
जनता ऐसी है तो राजा का वैभव कितना होगा। ये दशरथ जी महाराज का वैभव बताने के लिए और इतना होने पर भी धर्मशील है, मृदुभाषी है, विनम्र है, अहंकार नहीं है। छोटे से भी मिलते हैं तो लगता है कि महाराज इससे हमारा हित से कोई दूसरा नहीं है, कहीं बड़प्पन नहीं झलकता है, ऐसा नदी न चित्त होगा। और किसी बड़ों के सामने छोटों की मृत्यु नहीं होती, किसी को पुत्र शोक सहना नहीं पड़ता है महाराज, किसी के सामने अपने से छोटे लोग नहीं जाते हैं। ऐसे बड़े भाग्यवान बड़े संपन्न श्री अयोध्या जी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी महाराज हैं, और उनके मंत्री मंत्री तो कैसे वर्णन करते हैं, तस्या मात्या पहिरासन इच्छाको सुमात्मनः मंत्रज्ञाश्च गीताज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। नित्य महाराज वो प्रिय भी हैं और हित सोचने वाले हैं। हमारे मंत्री कैसे, हमारे प्रबंधक कैसे हो, हमारे सेवक कैसे हो, वो 24 घंटा मालिक का हित चाहने वाला नित्य। अच्छा, नित्य प्रेम कोई कर नहीं सकता है, 2-4 घंटा तो प्रेम से व्यवहार किया, अगर 24 घंटा उसको खड़ा कर दिया तो गाली देना शुरू कर दिया। परंतु ये ऐसे सेवक ऐसे मंत्री गण है नित्य महाराज, 24 घंटा जो अपने मालिक अपने राजा का हित चाहने वाले और फिर भी प्रिय है अप्रिय नहीं है, और मंत्रज्ञ है और इंगितज्ञ है। तो मंत्रज्ञ और इंगितज्ञ मंत्र को भी जानने वाले हैं और इशारे को भी समझने वाले हैं, माने कब क्या सलाह देनी है इस मंत्र को भी जानते हैं और क्या इशारा करने राजा कर रहे हैं उस इशारे को समझने वाला होना चाहिए। तो यहाँ मंत्रज्ञ और इंगितज्ञ को कहते हैं कि एक शिष्य को भी मंत्रज्ञ और इंगितज्ञ होना चाहिए, एक पिता के लिए पुत्र को भी मंत्रज्ञ और इंगितज्ञ होना चाहिए, एक पति के लिए पत्नी को भी मंत्रज्ञ और इंगितज्ञ होना चाहिए। माने किस समय कौन सी सलाह देना है और किस इशारे को हमें समझ के करना है। कभी कभी पति ने इशारा किया कि इसको जो है भड़काना है और अंदर से मारकर खूब आया तो मामला गड़बड़ हो गया, और किसी को खूब खिलाना पिलाना स्वागत करना है, वहां से महाराज गुड़ और पानी सामने आ गया, चाय भी नहीं कुछ रह गई, तो इशारे को समझकर उनकी भावना क्या है, किस समय क्या करना चाहिए, ये राजा के लिए मंत्री, गुरु के लिए शिष्य, पिता के लिए पुत्र और पति के लिए पत्नी को ऐसा होना चाहिए जैसा दशरथ जी महाराज के साथ में सब है। और मंत्र को जान दो प्रकार के मंत्रीगण है, एक ऋषि मंत्री है और एक क्षत्रिय मंत्री है। क्षत्रिय मंत्री को ऊपर सारी सेना की जिम्मेवारी है, देश रक्षा की जिम्मेवारी है, और ऋषि मंत्री के ऊपर धर्म रक्षा की जिम्मेवारी है। देश की रक्षा और धर्म की रक्षा राजा का कर्तव्य होता है, देश की भी रक्षा हो और धर्म की भी रक्षा हो। यदि महाराज केवल धर्म की रक्षा हुई और देश की रक्षा नहीं हुई तो हमारे धर्मात्मा रहेंगे कहाँ, और देश की रक्षा हुई धर्म की रक्षा नहीं हुई सब आधार्मिक पापी बनेंगे तो कल्याण कैसे होगा। तो राजा का ध्यान कहाँ होना है, देश के लिए भी उतना ही ध्यान देना है और धर्म के लिए भी उतना ही ध्यान देना है। इसलिए धर्म रक्षा के लिए ऋषि गण मंत्री है और देश की रक्षा के लिए क्षत्रिय मंत्री गण है। दो प्रकार के हैं, दृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः। दृष्टि जयंत विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप धर्मपाल सुमंत्र, ये 8 प्रकार के राजा ये क्षत्रिय मंत्री हैं। और ब्राह्मण ऋषि मंत्री में महाराज वशिष्ठ वामदेव सुयज्ञ जावादि कश्यप गौतम मार्कंडेय कात्यायन जैसे बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े वेदविद ऐसे धर्मात्मा मंत्री हैं। इसलिए सज्जनों जब देश के मंत्री परिषद में ऐसे धर्मात्मा ऋषि कल्प के महाराज मंत्री होते हैं तो उनके द्वारा धर्म की रक्षा होती है। इसलिए धर्म की रक्षा राजा का कर्तव्य बनता है, वो हमारे हर हर देश का धर्म होता है, हर हर क्षेत्र का धर्म होता है, हर क्षेत्र के देवता होते हैं, हर गांव के अपने देवता होते हैं, हर परिवार के अपने कुलदेव होते हैं, इष्ट देव होते हैं। जैसे हमारे देश के भगवान नरनारायण भगवान हैं, भारतवर्ष के भगवान नरनारायण हैं, भगवान राम
जी है, भगवान कृष्ण है, केदारनाथ से लेकर के महाराज रामेश्वर पर्यंत, ये तो अभी छोटा भारत है, नहीं तो महाराज हिमालय से लेकर के ये तो समुद्र के किनारे का जो भूभाग है, जहाँ सप्तद्वीप बसमती एक द्वीप में महाराज नौ नौ वर्ष विशाल भारत की योजना, इसमें केवल धर्म का पालन होता, अधर्म नहीं होता। उस समय में जब महाराज दशरथ जी महाराज का राज्य था, जहाँ वशिष्ठ नामदेव आदि मार्कंडेय दीर्घाय का कहना आदि ऋषिगण जिस धर्म का पालन करते हुए प्रजा को धर्म पालन की शिक्षा देते थे, ऐसे मंत्रिगणों से युक्त श्री दशरथ जी महाराज अपने राज्य को करते हैं। महाराज ये ऐसे हैं मंत्रीगण सारी प्रजा जिनमें तेज है क्षमा है और जो कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, कहते हैं क्रोधात कामार्थ हेतुर्वा, कोई महाराज किसी विषय काम से लिप्त होकर के भी वो मिथ्या भाषण नहीं करता, कोई क्रोध में गुस्से में महाराज जल रहा हो तो क्रोध में भी कभी उसके मुंह से गलत उच्चारण नहीं होता, और किसी निमित्त से किसी को कोई धोखा देने वाला छल करने वाला नहीं है। और जहां पर क्यों ऐसे पवित्र और निर्मल ज्ञानी क्यों है, क्योंकि सब धर्मात्मा है, वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए पवित्र भोजन को करने वाले हैं, पवित्र भोजन के द्वारा मन में सुंदर विचार आते हैं और मन का सुंदर विचार बुद्धि को प्रेरित करती है, इसलिए सज्जनों सद्बुद्धि और सत ज्ञान हमारे अंदर आए इसके लिए पवित्र भोजन होता है, उस पवित्र भोजन से ही सद्बुद्धि आती है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि नामिष्ट भोजी ना दाता, भगवान को भोग लगाकर सुंदर पदार्थ हवन करते हैं, हवन के अवशिष्ट उस हवनीय द्रव्य को, ऐसा हवन करके तब पाने का मतलब आदि युग में हवन का महत्व था, क्योंकि हवन के माध्यम से अग्नि भगवान को भोग लगाते हैं, यानी भोग लगा करके जो नैवेद्य प्रसाद बना उसको ग्रहण करना, उसी तरह भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद जो केवल भगवान का भोग प्रसाद पाता उसकी बुद्धि कभी खराब नहीं होती है, जो भोग न लगाया गया और जो अभोग्य है, जो नैवेद्य नहीं, जो भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता, ऐसे वस्तु को जो ग्रहण करता, जो बिना भोग लगाए जो ग्रहण करता, उसी की बुद्धि महाराज भ्रष्ट होती है, इसलिए बुद्धिमान क्यों है, क्योंकि बिना हवन किए बिना भोग लगाए कोई भी महाराज अन्न ग्रहण नहीं करता, यज्ञ शिष्ट प्रसाद को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, इसलिए भगवान भी उन्हीं पर कृपा करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद ग्रहण करना, प्रभु का प्रसाद केवल भोजन नहीं, वस्त्र आभूषण जो कुछ भी हम प्रयोग करें वो भगवान को अर्पण करके, माने ये मेरा है ऐसा मन में ना आए, ये भगवान का प्रसाद है ऐसा मन में आए, तो भगवत प्रसाद ग्रहण करने वाले की कभी भी महाराज दुर्बुद्धि नहीं होती है, ये बुद्धिमान ज्ञानी इसलिए है ये हवन करके भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे सारी प्रजा के शासन करते हुए दशरथ जी महाराज अयोध्या में बड़े आनंद से विराजमान है, बोले श्री अयोध्या धाम की, श्री दशरथ जी महाराज की, श्री राम कथा सब की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 सीताराम चंद्र भगवान की,
समाज की मंडली की परिवार की भगवान के चरणों में प्रताप का निवेदन कर दिया। आइए आरती करें। जय श्री मन्नारायण, जय श्री मन्नारायण, जय श्री मन्नारायण, जय